Welcome back to FSA Entertainment. I'm at Royal Pets Fish Aquarium Shop in Jogeshwari East with Faizan. Assalamualaikum Faizan. Walaikum assalam Fahad bhai. Faizan कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा, आप बताओ कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान की वीडियो जो है हमने आई थिंक लॉकडाउन के समय बनाया। नहीं अभी अपना जस्ट आफ्टर लॉकडाउन अपन ने शूट किए थे। इनकी शॉप कहाँ पे फैजान बताइए आप? जी मेरी शॉप जो है ना अपना जोगेश्वरी ईस्ट में नियर बाय वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, अपना जनता स्क्वाटर्स कॉलोनी में। हाईवे से आप लोग को 2 मिनट का रास्ता पड़ेगा। हाईवे को एकदम चिपक के। ठीक है, दो चीज़ है, एक एक्वेरियम शॉप है और एक सामने आप देख रहे हो जिया पर्सन रॉयल पेट्स। मेरा एक्चुअली जो पेट शॉप है वो 2 सेक्शन में मैंने डिवाइड किया हो। एक जो है अपना एक्वेरियम का सेक्शन है एंड दूसरा जो है वो पेट फूड, मेडिसिन और एक्सेसरीज का। बेसिकली आपको ऑल वैरायटीज ऑफ कैट्स मिल जाएगी, ऑल वैरायटीज ऑफ कैट एक्सेसरीज मिल जाएगी और डॉग्स वगैरह मिल जाएगी, उनके फूड्स हो गया एंड केजेस मिल जाएगा एंड मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल है। अपना मेडिकल अभी अलहमदुलिल्लाह चालू तो नहीं हुआ है, जल्दी चालू होना है इंशाल्लाह, तो अपने लोग को पेट्स की मेडिसिन भी मिल जाएगी अपने पास। अच्छा ये जो आपने ऊपर मेडिकल रॉयल फॉरएवर मेडिकल मेरा, हाँ जी रॉयल फॉरएवर मेडिकल मेरा स्टार्ट होने वाला है अभी। अच्छा मुझे आई थॉट दिस इज लाइक द रेगुलर मेडिकल इंसानों का, दिस इज स्पेशली फॉर पेट्स। हां स्पेशली फॉर पेट्स है, बट अपना दोनों मेडिसिन अवेलेबल मिलेगी मेरे पास। तो सिर्फ कुत्ते और बिल्ली के लिए बकरे वगैरह सब सब ऑल बकरे की भी मिलेगी, अपना बिल्ली की भी मिलेगी, फिश की भी मिलेगी, मुर्गी की भी मिलेगी, सब एनिमल्स की मिलेगी अपने पास। शुरू होने वाला है ये अलहमद समझ लीजिए ना भाई, अपना इस बार चालू हो जाएगा अपना, ये सब काम हो चुका है। आपको देना पड़ता है, प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा आप लोगों को, जो भी दवा रहेगी वेटरनरी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, अच्छा कोई फोन पे ऑर्डर करना चाहे आप फिश वगैरह, मिनिमम ऑर्डर अमाउंट जो रहेगा 2000 रहेगा भाई, क्योंकि कैसा रहता है अभी अपना वीडियो आउटस्टेशन भाई। लोकल तो अपना ठीक है चलेगा, 1000 रुपीज़ तक मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, बट अभी कैसा फहद भाई तुम वायरल है भाई, अपना ऑल ओवर इंडिया वीडियो जाता है, तो बहुत सारे लोग बाहर से कॉल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम आता है शिपिंग का। तो कम से कम आपका ऑर्डर 2000 रहना चाहिए, तो मैं उसके बाद आगे बात कर सकता हूँ शिपिंग। एक चीज़ बहुत अच्छी, लास्ट टाइम मैं इतनी वैरायटी नहीं थी फिश में, बट इस बार तब आप बहुत अच्छी सी वैरायटी। नहीं भाई इस बार हम लोग ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमारे शॉप में, हम लोग ने सेक्शन ही डिवाइड कर दिया है, तो थोड़ा इस बार फिश पे ज़्यादा ध्यान है हम लोग का। एक चीज़ आपने बहुत अच्छा लगा बेचा इंस्टेंटली नोटिस, ये नॉर्मली फिश एक्वेरियम वाले नहीं करते जी, ये जो आपने जो ग्रास का बैट लगाया है ना इन बीच में, एक्चुअली कैसा है ना कि जैसा समझ लीजिए कि जो दिखता है वो बिकता है, और हम लोग ऐसा है जो इंटीरियर है वो मेन है। अगर हम लोग अच्छे से रखते हैं तो ठीक है, कस्टमर भी अट्रैक्ट होता है, कस्टमर का भी शौक बढ़ता है। अगर हम लोग ही गंदे तरीके से रखें कि हम लोग ही मेंटेन नहीं करें तो कस्टमर लेके क्या जाएगा, कस्टमर कैसे रखेगा। तो मेन मोटिव हम लोग का ये कि अपना हाइजीन रहना चाहिए फिश। और कितने समय से आप कर रहे हो ये बिजनेस? ये बिजनेस करते करते मुझे 4 इयर्स हो गया है, एंड जो हम लोग कैट्स का कर रहे हैं उसको करते करते अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। अच्छा बिफोर वी टॉक अबाउट फिश एंड ऑल, जिस लोगों में जानकारी बहुत से लोग हैं, यंगस्टर्स है जो इस बिजनेस में आना चाहेंगे, हाउ डिड यू स्टार्ट आप बताओगे? ये बचपन से ऐसा था? मैं तो बस यही बोलूँगा भाई, अगर किसी को ये बिजनेस में आना है ना, सबसे पहले शौक होना चाहिए, उसके बाद ये लाइन में आना, वरना भाई ये बिजनेस के हिसाब से चीज़ सही नहीं है। स्टेप बाय स्टेप बताओगे, समझो कोई एक बंदा है वो मछलियों का शौक बहुत रखता है, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके बाद उसका एम है कि उसको मछलियों की शॉप खोलनी है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप टू डू आप बताओगे? पहले तो भाई उसको फिशेस के बारे में मालूम पड़ना चाहिए कि कौन सी फिश के लिए क्या लगता है, क्या साइज़ का एक्वेरियम रहना चाहिए उसको एडजस्ट होने के लिए, क्या हिसाब से उसको मेंटेन करना चाहिए, राइट। और दूसरा भाई सबसे कैसा रहता है, अभी ठीक है मैंने फिशेस लेके आया, मैंने शॉप भी स्टार्ट कर दिया, बट हर चीज़ में भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ डिजीज़ आती है, तो सबसे पहले उसको फिशेस के डिजीज़ के बारे में मालूम पड़ना चाहिए, उसको कैसे ठीक करना चाहिए, वो सब अगर उसको इन्फॉर्मेशन है तो वो चालू कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात चला, आप पहले से कर रहे हो किसी के शागिर्द? मतलब कैसा था ना भाई, घर में हम लोग जब से मतलब हुए तो जानवर पापा वगैरह जानवर लेके आते रहते थे, तो बचपन से समझ लो इसी में हम लोग बड़े हुए, तो कुछ भी होता था तो बस भाई कुछ भी हम लोग ट्राई करते थे ना यार, और रिजल्ट मिलता था तो फिर हम लोग उसको बुक में ऐड कर देते थे, तो कभी भी ऐसा कोई फिश बीमार पड़ती थी तो वो दवा हम लोग फिर यूज़ करते थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने लगा। हर चीज़ में ये करता था मैं, एक्वेरियम हो गया, कैट हो गया, कुछ भी मतलब अगर कोई जानवर बीमार पड़ता था मेरे पास तो मैं दवा लेके आता था, अगर वो उससे हो जाता तो मैं अपने एक डायरी में ऐड कर देता था, और वो दवा फिर मैं कंटिन्यू देखता था, हाँ रिजल्ट है तो मैं अपने दोस्त लोग को भी बताता था। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैंने बहुत सारे इकट्ठा किए, उसके बाद ही मैंने ये स्टार्ट किया है। अगर मैं डायरेक्ट ऐसा स्टार्ट करने जाता तो भाई मतलब नहीं, और दूसरा शौक रहना चाहिए ये चीज़ करने के लिए, तो भाई ये बिजनेस है वरना कुछ नहीं है। वो तो नो क्वेश्चन अबाउट इट जी। और ये बताइए व्हाट इज़ योर एज एट द मोमेंट? मेरी जो एज है भाई अभी 19 इयर्स है। यू जस्ट 19 इयर्स ओल्ड। तो आपने शुरू कब किया है? ये शुरू किया था मतलब समझ लीजिए भाई शौक के हिसाब से किया था, मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि मेरे को फिशेज बेचना है, बस लॉकडाउन था घर में सब बिजी थे हम लोग, मतलब ऐसी घर में थे और हम लोग की जगह भी थी खुद की, अलहमदुलिल्लाह। बस खुद की जगह है, खुद की जगह है, इसीलिए आपको थोड़ा इजी पड़ गया भाई। और अच्छा, खुद की जगह होती है तो व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपको कितने से शुरू करना पड़ेगा? समझ लीजिए ना भाई, मेरा जो इंटीरियर गया था वो 2 लाख रुपीज़ का गया था, 2 लाख इंटीरियर का खर्चा हुआ था भाई। और टैंक्स अलग हो गए, फिर फिशेज अलग हो गई, बहुत हो गया भाई। पैसा वो तो ऑप्शनल होता है ना जी, वो तो अलग होता है इंटीरियर। लेकिन कैसा रहता है ना फहद भाई, अगर आप अच्छे से किसी को प्रेजेंट करते हो तो वो चीज़ अच्छे से वायरल होती है, अच्छे से आप लोगों के बारे, लोगों को मालूम पड़ता है आपकी चीज़ के बारे में। आप इंटीरियर की बात कर रहे हो, उसमें एक्वेरियम स्टैंड वगैरह सब इंक्लूडेड है? वो सब है भाई, स्टैंड इंक्लूड करके मैंने आपको रेट बताया। कितने टैंक आके 2 लाख? मतलब समझ लीजिए ना भाई, मेरा जो पहला सेटअप था ना भाई, उसका बताया मैंने आपको। अभी जो मैंने सेटअप किया वो मिनिमम समझ लीजिए ना 1 लाख रुपीज़ अप टू गया, क्योंकि मैंने रेक्स वगैरह चेंज किया है, टैंक का साइज चेंज किया है, तो उसमें थोड़ा रेट हाई हो गया है। ठीक है, सेकंड चीज़ है भाई कहाँ से माल लाना है, तो आपने भी वही किया कि भाई कुल्ला चले जाओ लेके आओ लॉट से? फहद भाई ऐसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं है फहद भाई। मैं ठीक है, पहले मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, मैं भी नया नया था, तो ठीक है मैं चले जाता था। बट अभी ऐसा है कि मेरे कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो जिनका एचेरी है खुद फिशेस का, तो मैं उनसे परचेस कर लेता हूँ। एंड वो ब्रीडिंग भी करते हैं, जैसे एंजल्स हो गया, ऑस्कर हो गया, एंड फ्लावरन हो गया, वो खुद का उन लोग ब्रीड करते हैं। तो मेरे भाई लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो मैं डायरेक्ट एचेरी से लेके आता हूँ, क्योंकि सस्ते की बात ही नहीं भाई। देखो कैसा है ना, मैं मार्केट से लेके आऊँगा भाई, वहाँ पे ऑलरेडी डिजीज लगा हुआ माल मिलता है, मैं यहाँ लेके आके उन लोगों को ठीक करूँगा एंड आपको दूंगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई अगर कस्टमर आया लेने के लिए और उसको चीज़ अच्छी लग गई तो भाई लेके ही जाता है, और मैं उसको ऐसे मना नहीं कर सकता कि भाई ये ऐसा है वैसा है। तो मेरा ऐसा है कि भाई मैं आप लोग को अच्छी चीज़ दूँ। जनरली हैचरी में बहुत छोटे छोटे मिलते हैं ना हैचरी से, क्या बड़ा भी ग्रोन अप भी मिलता है? तो ये जितना हम स्टॉक देख रहे हैं दे ऑल कम फ्रॉम हैचरी। जी जी जी, कुछ ऐसा स्टॉक है जो मैं समझ लीजिए कि मैंने कस्टमर्स को दिया था और उन्होंने मुझे बड़ा करके वापस रीसेल किया है, कुछ ऐसा रखा हुआ है मेरे पास। अच्छा, आपने जितना इन्वेस्ट किया 2 लाख तो सिर्फ इंटीरियर था, और भी खर्चा आया होगा। ब्रेक इवन करने में आपको कितना समय लगा? भाई ये तो मैंने कैलकुलेट बहुत टाइम बाद किया है, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तो भाई मैंने कुछ सोचा ही नहीं था ये चीज़ के बारे में मैंने। लेकिन जब बाद में ऐसा जो प्लस मुनाफा कब कमाने लगे? मुनाफा मैं समझ लीजिए ना भाई, अभी तक के बस थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ भाई, नहीं तो भाई ऐसा है सिर्फ जा रहा है। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि भाई अपने पास ऐसा है ना भाई, अपन ज़्यादा एक्जोटिक चीज़ें प्रीफर करते हैं, मतलब महंगी चीज़ें, और अपन शौक के हिसाब से लेके आ रहे हैं ना फहद भाई, तो बस उसमें ही चल रहा है अपना। अच्छा, जो रेगुलर माल होता है जैसे गोल्डफिश हो गया, ये रेगुलर माल है, इनमें तो मार्जिन बहुत कम होता होगा भाई। मार्जिन तो थोड़ा भाई कैसा रहता है पता है, अभी कस्टमर आता है तो मल्टीपल ऑप्शन देखता है, बोलता नहीं भाई मेरे को ये भी दे दो वो भी दे दो, और फिश आपको पता है नेट एक ही जगह यूज होता है। right. तो भाई वो सब चीज़ें हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। फिश का ऐसा है ना भाई, वो बहुत सेंसिटिव होती है भाई, बहुत डेलिकेट होती है वो, तो उन लोग में ना भाई प्रॉब्लम आ जाता है भाई कुछ ना कुछ। ओके जी, ऐसा रहता है। तो ये मोर्टेलिटी भी एक मेन इशू होगा कि भाई इतना हैचरी से उठा तो लिया, लेकिन उसको सर्वाइव कैसे करें? सर्वाइव मतलब समझ लिया ना फहद भाई, हर चीज़ छोटी चीज़ को ध्यान देना पड़ता है, छोटी चीज़ को ध्यान देना पड़ता है। अगर फिश थोड़ा भी कोने में जाके बैठती है ना तो वो भी देखना पड़ता है क्यों बैठ रही है भाई, क्योंकि भाई एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो भाई वो चीज़ें बहुत ध्यान से हम लोग को देखना पड़ता है। ओके, तो अभी एकदम एक्सपर्ट हो गए अभी 2 साल में? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। मोर्टेलिटी कितना गिर गया है परसेंटेज कुछ? भाई अभी समझ लीजिए जितना पहले होता था नुकसान, उससे तो कंपैरेटिव अभी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लाइन लेवल पे आ गया, क्योंकि हर चीज़ समझ में आ गई। वाटर कंडीशन मेंटेन किया मैंने सबसे पहले, एंड दूसरा जो था भाई मैं फीड वगैरह चेंज करते गया फिशेस का। पहले मैं नॉर्मल ज़्यादा पैलेट्स वगैरह पे रखता था, अभी मैंने उन लोग का फीड वगैरह चेंज किया। मैं सबसे ज़्यादा भाई ये प्रीफर करता हूँ आप ड्राई फ्रीज ब्लड वॉर्म खिलाइए, उससे वाटर भी अपना गंदा नहीं होता है एंड फिशेस खाती भी वो शौक से, और उसमें प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग प्रीफर करते भाई जाओ लाइव हेलो फीड का आता है। जी जी हाँ, हेलो फीड का आता है, हाँ मैं दिखा देता हूँ आपको। जी जी, ये तो बहुत शौक से खाती है सारी। अरे भाई ये इसका मतलब समझ लीजिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है फिशेस के लिए, और ये पानी भी गंदा नहीं करता है और कुछ खाती है, मतलब समझ लीजिए भाई फिशेस का एक काजू बादाम है भाई फिश का। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर उसके बाद लोग बोलते हैं कि भाई लाइव बॉम्ब खिलाना चाहिए, उससे फिश की हेल्थ अच्छी होती है, बट भाई फिश की हेल्थ तो अच्छी हो जाएगी अपनी, लेकिन जो वाटर लेवल है भाई वो भी तो देखना पड़ता है। अब ये अगर अभी आप रहते हो जो भी एटमॉस्फेयर में, वो अगर गंदा रहेगा और आप खाते हो काजू बादाम, तो आप कैसे सर्वाइव कर पाओगे? तो ये चीज़ ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए आप लोग को। अच्छा, टॉक अबाउट फैमिली ने सपोर्ट किया कि बोले भाई अभी तो जॉब कर रहा है या दुकान खोल लिया तो पैसे ला के दे? फैमिली का सपोर्ट बस यही है कि भाई जो भी कर रहे हो तुम लोग अच्छे से करो, और हमेशा हम लोग का सपोर्ट रहेगा। भाई यंग है 19, अगर आप 24-25 साल के हो तो फैमिली डिमांड करती है महीने का खर्चा ला के दे? नहीं, बस बोला ना फहद, आपको शौक के हिसाब से चला रहे हो भाई, और कुछ नहीं भाई। अपने को इतना शौक है ना जानवर का, उसकी कोई हद नहीं है भाई, बहुत शौक है। तो व्हाट नेक्स्ट? अभी एक दुकान तो खोल लिया आपने, अभी मेरा एक 5 years डाउन द लाइन व्हाट इज योर प्लान? भाई मेरा प्लान जो है ना भाई, मेरे को ये इंडस्ट्री में बहुत आगे तक ये काम करना है। व्हाट्स नेक्स्ट स्टेप? मेरा नेक्स्ट स्टेप जो है मेडिसिन का है भाई, इन लोग का वेटनरी। भाई मेरे पास इतने कस्टमर है ना फाद भाई अलहमदुल्ला, जो मेडिसिन के लिए आते हैं। एंड देन मैंने तभी ये स्टेप लिया कि मेरे को मेडिकल खोलना चाहिए। अच्छा। तो इसके लिए मेरा भी नेक्स्ट स्टेप ये है। और भी बहुत सारी चीज़ें अपकमिंग आने वाली है, जिसमें मैं एक्जॉटिक में उतरने वाला हूँ। मैं लाइव एनिमल्स रखूँगा एक्जॉटिक के। मैं अपना शॉप भी जो है डबल फ्लोर का करने वाला हूँ, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे करने वाला हूँ भाई ये काम में। अच्छा, दो चीज़ें अभी, कोई एक्वेरियम अगर खोलना चाहे, एक्वेरियम बिजनेस में आना चाहे, एक तो आप जैसे लोग हो जो रेगुलर फिश जो है वो बेचते हैं, और एक है हमारे कुल्ला वाले जो जीशान भाई है, वही हाई क्वालिटी, उनकी एक एक मछली 5,000 10,000 ऐसी प्राइस की होती है। तो फायदा ज़्यादा किस में है उसमें? कैसे देखो भाई, क्वांटिटी हो या कोई चीज़ भी हो, मैं तो भाई बोलता हूँ क्वालिटी प्रीफर करो। बट ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो भाई इतना हाई मेंटेनेंस प्रीफर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आप बताए 5,000 10,000। वही चीज़ भाई 1,000 रुपये की भी मिलती है, 1,200 रुपये की। उनका सारा ऑनलाइन है, मेरा वॉकिंग है। लेकिन कैसा रहता है ना फाद भाई, कस्टमर जो रहता है वो सोचता है कि भाई अगर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ और उसका शौक है कि नहीं मेरे को फ्लावर ऑन रखना है, तो वो भाई डायरेक्ट 10,000 रुपये पे तो नहीं जाएगा। वो स्टार्ट करेगा तो छोटे से ही करेगा भाई, कितना भी मतलब उसके पास हो कि नहीं भाई मेरे पास पैसा है, तो भी वो भाई छोटे से स्टार्ट करे, क्योंकि उसको उस चीज़ के बारे में मालूम है नहीं। और भाई 1,000-1,200 रुपये में भी बहुत अच्छी क्वालिटी की फ्लावर ऑन मिल जाती है। पहचान कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि भाई सोचे होगे भाई मैं ये करना चाहता है, कहाँ फंस गया? किस चीज़ का किस वक्त आप लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होती है? भाई डिसअपॉइंटमेंट हो ये चीज़ पे कभी नहीं होता है भाई ये चीज़ को लेके, क्योंकि भाई देखो ये कैसा है ना, ठीक है जो भी है अपने को जानवरों का शौक है भाई, और जानवरों को खिलाना पिलाना बोले तो भाई इससे बढ़कर और क्या चाहिए मेरे को। ये चीज़ मेरे को मिली भाई, मैं इसका बहुत शुक्र अदा करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर लाइफ जर्नी। अब जो है लेट्स जी अपना आई लोग स्टॉक दिखाते हैं अपने फिशेस का भाई, स्टार्ट करते हैं अपन अपना ब्लैकिश वाटर फिशेस से, मोनो एंजल। और ये बता दे ब्लैकिश वाटर फिश, आई नो व्हाट इट इज बट आप दर्शकों को समझाओ व्हाट एग्जैक्टली ब्लैकिश वाटर फिश। एकदम ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ भाई, खारे पानी की मछली नहीं, सॉल्ट वाटर खारे और दोनों में। हाँ, अपना ये अंडरस्टैंड करेक्टली, खारे में भी रह लेती है और उसमें भी रह लेती है, नॉर्मल वाटर में भी रह लेती है, बट इनको सॉल्ट ज़्यादा लगता है भाई। अगर आप रखते हो तो अपना रॉक सॉल्ट ज़्यादा इनको लगता है। तो बताइए और इनके बारे में, ब्लैकिश वाटर फिश के लिए क्या, इसके अंदर दो वैरायटी कैसी रहनी चाहिए, क्या नमक डालना चाहिए कि क्या करना? नमक जो आता है भाई देखो आपको पता है 2 टाइप के नमक मिलते हैं, एक तो अपने खाने में डालने वाला नमक मिलता है, और दूसरा जो आता है वो रॉक सॉल्ट रहता है। डू यू हैव दैट रॉक सॉल्ट? जी मेरे पास है रॉक सॉल्ट, मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। अभी तो फिलहाल मैं इस टाइप का रॉक सॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये कितने का आ जाएगा? ये पैकेट आता है भाई 20 रुपीज़ का। तो अगर हम ये समझो मेरे ख्याल से 2 फीट का टैंक होगा जी, ठीक है जी। अगर एक समय हमने साफ़ किया है, वाटर कंडीशन वाटर चेंज किया जी, कितना डालना है? भाई अगर आपका टैंक 2 फीट का है तो आपको कम से कम 2 मुट्ठी डालना चाहिए, 2 मुट्ठी डालना चाहिए। तो ये पूरा महीने भर चल जाएगा, 2 महीने ज़्यादा चलेगा। नहीं तो हर बार हम जो 15-20% वाटर चेंज करते हैं वो टाइम दोबारा डालना, 1 मुट्ठी डालना पड़ेगा, क्योंकि भाई वाटर कंडीशन चेंज हो रहा है पूरा भाई। चलिए कितने का आता है ये? 20 रुपीज़ का पैकेट, 20 रुपीज़ का। बहुत लो मेंटेनेंस है भाई, लेकिन मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, और ये बहुत एग्रेसिव फिश होती है, डोंट कीप देम विद योर गोल्ड फिश, इट एंजल फिश वगैरह के निपर्स है। जी जी बराबर, आप एग्जैक्टली आप बहुत सही बताए ये चीज़, ये फिन निपर्स होती है, ये गोल्ड फिश अपना बेल्टेल कोइज वगैरह के साथ नहीं सर्वाइव कर पाएगी। बिल्कुल। चलिए दाम बताइए, आप डजन का दाम बताओगे या जोड़ी का दाम? मैं आपको सिंगल पीस इसका रेट बता दूँ। सिंगल नहीं, जोड़ी का बताओ। ठीक है चलेगा। स्कैट जो है ना भाई वो अपने लोग को 450 रुपीज़ पैर से आएगी। स्कैट तो एकदम सोरठ के दाम मिलती थी, 450 रुपये दाम हो गया। साइज का डिफरेंट है भाई, पहले तो कोई फोकट में भी नहीं लेता था। कैसा हो गया ना फाद भाई, जैसे जैसे दुनिया बढ़ते जा रही है बहुत सारे चेंजेस देखते जा रहे हो भाई, और छोटे साइजेस जो है वो 200 रुपीज़ से मिल जाते हैं अपने पास। हार्डली 1 इंच। नहीं भाई, अभी मार्केट बहुत ज़्यादा अलग हो गया भाई, 450 रुपये जोड़ी दे रहे हो, आएगी 450। दर्शकों बताइए फैशन का प्राइस आपको कैसा लगा? भाई जो भी रेट है ना भाई, आप कहीं पे भी कंपेयर कर सकते हो क्या है क्या नहीं है, मैंने बहुत नेगोशिएबल रेट रखा मेरे शॉप का। और ये जो एंजल है ये कौन सी? मोनो एंजल है। मोनो एंजल एंड हाउ मच इज इट फॉर? ये 400 रुपीज़ पैर है। 400 रुपीज़ फॉर अ पैर। प्राइस बहुत बढ़ गया यार, मिडिल क्लास नहीं शॉप कर रहा है क्या अभी? नहीं, कैसा है ना फहद भाई, हर चीज़ें चेंज होते जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक जैसी कोई चीज़ रह रही ही नहीं है। पहले जो चीज़ हम लोग कीप करते थे 60-50 रुपीज़ की, वो चीज़ पर भाई डायरेक्ट 40-30% रेट बढ़ गया है, तो हर चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है भाई, और कुछ नहीं है। तो भाई 400-450 रुपये कोई भी ले लो। जी हाँ चलेगा, कोई भी ले लो आप। लेट्स स्टार्ट विद दिस लॉन्ग टेल ऑस्कर जो है इसमें अपना वेल्टेल ऑस्कर है एंड अपना टाइगर कॉपर ऑस्कर है इसके अंदर. दिस इज व्हाट दिस वन इज टाइगर ऑस्कर टाइगर एंड दिस वन इज वेल्टेल राइट. जी 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 एक ही है मेरे ख्याल से पीछे वाली दिस वन. जी जी. हाउ मच इज इट फॉर ये आपने लोग को 350 रुपीस पैर से आ जाएगी भाई. 350 रुपए जोड़ी जोड़ी. हाँ साड़ी वाली टाइगर वाली सेम 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 सेम. आप कोई सी भी ऑस्कर लो आपको 350 रुपीस पैर से आएगी. अच्छा इसके साथ कौन कौन सी फिश रहेगी? इसके साथ जो है ना भाई अपना ऑस्कर वैरायटी रह सकती है एंड अगर आप ये साइज़ में कीप करते हो तो आप इसको अरवाना फ़िश रख सकते हो एंड पैरेट फिश रख सकते हो. एग्रेसिव फिशेज आप इसके साथ रख सकते हो. ठीक है. इसके अलावा ये ऑस्कर के अलावा हमारे पास ये टिपिकल वन ये जो है अपना अल्बिनो ऑस्कर है अल्बिनो टाइगर है. जी जी. एंड इसमें मैंगो ऑस्कर भी है आप देख सकते हो. का क्या पैर है? आपको ये सेम रेट से आ जाएगी भाई 350 रुपीज़. जी 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 जी. ये एक अलग है ये कौन सी है? मैंगो ऑस्कर है भाई. एक सिंगल है सिंगल है नहीं इसका पैर रखा हुआ है इधर इस साइड घूम रहा है. कितने की? सेम रेट है भाई 350 रुपीज़ पैर. ये तो हम लोग की भाई शॉप की ये फ्लावर ऑन नॉट फॉर सेल नहीं सेल के लिए. ये मतलब इसको जब मैंने लेके आया था तो मेरा कुछ ऐसा मोटिव नहीं था कि इसको मैं रखूँगा या रहती है नहीं क्योंकि जब मैं इसको लेके आया था ये बहुत टफ कंडीशन में थी. बहुत अच्छा कॉक आया है. नहीं नहीं हेड इसका बहुत हमको है SID है. मैं इसको जो फीड दे रहा हूँ भाई मैं बताया ना आप फीड वगैरह जो है वो मेनटेन रहना चाहिए उसके बाद ही पूरा गेम होता है एंड मैं उसको मेनटेन भी कर रहा हूँ. वैसा उसका वाटर लेवल उसका हीटर वगैरह सब चेक करना पड़ता है. ये जो है ये अकेली ही रहती है सिंगल ही रहती है ये. यस यस ये जो है ये अकेले ही रहती है और इनके साथ आप अगर आपको रखना है तो आप इसका फीमेल पैर कर सकते हो पैरिंग कर सकते हो. ये अपने लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ की है. मेल है 2000 रुपये की है. जी ठीक है. सस्ती बोले जाएंगे वो जो दूसरी जो 9.9 आती है वो बहुत महंगी आती है. अरे भाई कैसा रहता है ना अभी आप जैसा बताया आपने कि आप बोल रहे हो स्केट्स इतनी महंगी क्यों है भाई तो कैसा हर चीज़ का अलग अलग रेट है भाई. तो जैसा आप मार्केट में जाओगे वो चीज़ के बारे में आपको मालूम पड़ेगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा. लेट्स मूव टू दिस वन. जी ये है अपने पफर के बेबीज़ है. आप सुने रहे कि वो फिश हाथ में पानी में से बाहर निकाल लो फूक जाती है ये वही है भाई उसके बेबीज़ है. ये भी बहुत सस्ती मिला करती थी आपका प्राइस. अरे नहीं भाई ये अपने लोग को आ जाएगी 170 रुपीज़ पैर से. 170 रुपीज़ फॉर अ पैर. तो फॉर अ पैर फॉर अ पैर. फैसल आपका प्राइस या तो मुझे ज़्यादा लग रहा है या प्राइस बढ़ गया बात भाई ऐसा मुझे बहुत दिन के बाद कवर कर रहा हूं. मुझे ऐसा लग रहा है आप फिशेज बहुत दिन बाद कवर कर रहा हूं. फहद भाई मेरे शॉप पे बहुत दिन बाद आए एंड वो फिशेज भी बहुत टाइम बाद कवर कर मैं पालता हूं. पता है मेरे पास से स्टॉक लेके जाते भाई और ऐसा लग रहा है मेरे को फहद भाई बहुत टाइम बाद फिश स्टोर कवर कर रहे इसलिए मेरे को अलहमदुलिल्लाह मल्टी नहीं एंजल वेंजल पाला वो रह जाती है 6-6 महीने साथ. अपना वो सेटअप भी तो करे थे अपन ने अभी प्लांटेशंस वगैरह. ठीक है. चलिए अभी एक चीज़ जो है ये मैं डेफिनेटली लेके जा रहा हूँ फीमेल फाइटर फीमेल बेटा बहुत कम जगह मिलती है. फीमेल बेटा ये मुझे जिया ने प्राइस बताया है इसका. क्या प्राइस है? ये अपने लोग को आ जाएगी ये 100 रुपीज़ 120 रुपीज़ पीस. ठीक है. 60 रुपये आई एम सॉरी 120 रुपीज़ 120 रुपीज़ फॉर पीस. फीमेल है भाई ले लीजिए ब्रीडिंग के लिए. बहुत मैंने ब्रीडिंग कर चुका हूँ लेकिन बच्चे बचते नहीं है बहुत मुश्किल से बचते भाई उसको भी उसका भी अलग मेंटेनेंस है और इंशाल्लाह टाइम रहेगा तो उस पर भी मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल 3-4 बच्चे हैं. अच्छा 3-4 बच्चे नहीं नहीं बोलो ना बात भाई ये लाइन के अंदर बहुत बड़ी भाई इसके लिए डेडिकेशन जरूरी है. आपको घर पे रहना जरूरी है. अपन इतना ट्रैवल करते हो तो नहीं रहते अभी आप तो शूट पे बिजी रहते हो पॉसिबल नहीं लेकिन बहुत मज़ा आता है फाइटर फाइटर भाई. ऑलमोस्ट आपको शॉप पे ना भाई मेल ज़्यादा कवर करने मिलेंगे बट फीमेल बहुत कम लोग ही रखते हैं. इनके पास मेल जो है वो दूसरे सेटअप पे है. मेरे दूसरे सेक्शन में मेल रखा हुआ है वो भी आपको इंशाल्लाह अगर रहा तो वो भी वीडियो में दिखाएंगे अपन. माशाल्लाह माशाल्लाह. तो 100 रुपए की एक मिल जाएगी. 100 रुपए की एक मिल जाएगी. ठीक है. गोश्त कितने की? जी ब्लैक गोश्त अपने लोग को 400 पैर से आएगी. साइज आप देख सकते हो भाई. ठीक है. इसका प्राइस कांस्टेंट है इसका? नहीं नहीं भाई सही में ऐसा लग रहा है बहुत टाइम बाद फिशेस कवर करते हैं. ये तो यार उतने में बड़ी बड़ी साइज है माशाल्लाह. नहीं अल्हम्दुलिल्लाह साइज़ जो है ना भाई ये मेरे को पसंद आया तो मैं लेके आया भाई. कुछ चीज़ें ऐसी है ना फात भाई मेरे शॉप में जो मैं खुद के लिए लेके आके रखूँ जो बिके या नहीं बिके उससे कुछ नहीं भाई. मेरे को मेरा शौक भी तो पूरा करना है. मैं भी तो भाई पेट्स लवर हूँ. अच्छा कुछ इज इट वेरी रिस्की टू टच देयर टेल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है. ये सेंसिटिव है ऐसा है या कुछ करंट ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है भाई. ऐसा कुछ भी नहीं. ऐसा लगता है देख के भाई सही में गोश्त टाइप है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड जो टनल रखा हुआ है भाई उन लोग के हाइडिंग के लिए वो उन लोग का ऐसा है कि उन लोग को हाइडिंग रहते हैं. बहुत शर्मीली है भाई. जी ठीक है. 450 कितना? 400 रुपीज़ 400 रुपये जोड़ी 400 रुपीज़. ब्लैक मोर कितने की है? ब्लैक मोर अपने लोग को आ जाएगी 60 रुपीज़ पैर से. ठीक है, क्यों ऐसे कलर झड़ गया है? नहीं भाई कैसा है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, अभी मैंने वाटर कंडीशन थोड़ा मेंटेन किया है तो अभी चेंज करके मेरे को 2 आवर्स हुए रह गए, तो थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको। तो ये जो भी है 40 रुपये 60 रुपीज़ जोड़ी से आ जाएगी। इसके अंदर रेड कैप भी है, वो भी आप वही रेट से ले लेना। आगे रेड कैप है कुछ? जी हाँ जी, ठीक है। अब ये अपना मौली फिशेस, मौली फिश जाइंट मौली भी है इसके अंदर, एंड नॉर्मल साइज मौली भी है। देखिए इससे भी बड़ी बड़ी आती है। हाँ अभी तो भाई स्टार्ट हुआ है भाई, डायरेक्ट अभी होते साथ कहाँ से बड़ी हो जाएगी। कितने की है ये? अपने लोग को आ जाएगी 50 रुपीज़ पैर से, एंड जो नॉर्मल वाली है वो 30 रुपीज़ पैर से। व्हाट इज नॉर्मल एंड व्हाट इज नॉट नॉर्मल? नॉर्मल जो है ना भाई आपको दिखेगा तो छोटे साइज के अंदर रखी। अच्छा साइज की बात कर रहे हो? जी साइज की बात कर रहा हूँ। बड़ी वाली कितने की? बड़ी वाली 50 रुपीज़ पैर से आ जाएगी, 50 रुपये जोड़ी से आ जाएगी। ठीक है। बहुत अगर किसी को ब्रीड करना है ऐसी बच्चे दे देती है। हाँ। तपेली में डालो बच्चे नहीं डालेगी। उसके अंदर शायद से भाई बेबीज हो गए उसके अंदर, शायद इसमें हो गए उसके अंदर, बट खा लेते हैं ये लोग। हाँ ये लोग खा ले, अभी मैंने देखा थोड़े टाइम पहले ही देखा, उसमें अंदर और थे, ये शायद से लोग ने खा लिए रह गए। ये चिकलेट फिशेस है भाई, इसके अंदर अपना ग्रीन टेरर है, बनाना चिकलेट है, इलेक्ट्रिक ब्लू है। विच वन इज दिस? ये जो है दिस वन ये अपना ये ग्रीन टेरर वाला आता है, एंड जो पीछे जो है ना अपना वो येलो बनाना है। माशाल्लाह। ये कितने का है? ये अपने लोग को 150 रुपीज़ पैर से आएगा। 150 रुपये, 150 रुपये जोड़ी से। चिकलेट इज ऑल्सो वेरी एग्रेसिव वैरायटी, बहुत एग्रेसिव है। मैंने ये पाला हूँ, बड़ा टैंक था मेरा 4 फीट का, और रेती डाला था नीचे सैंड। सैंड का सेटअप किया आपने? मेरे पास सिकलेट थी काफ़ी, और अलग अलग वैरायटी। ये तो कम्युनिटी टैंक सिकलेट जो है एक एरिया ले लेती है, खड्डा करेगी, उसके अंदर अंडा देगी और मुंह के अंदर बच्चे रखेगी, है ना, और किसी को आने नहीं देगी। जी आपका एक्सपीरियंस अच्छा लगा मुझे जान के, माशाल्लाह बहुत, और बहुत एग्रेसिव है बहुत। अरे भाई उन लोग का ऐसा लगता है कि भाई झूठ नहीं कर रहा है भाई, अगर उन लोग कहीं निकलते हैं ना, अगर किसी से फाइट भी करना रहता है। बड़ी वाली कितने की है? ये भी 150 पैर से ले लो, ऑरेंज भी लो या ये लो, कोई सी भी लो, 150 रुपीज़ पैर। माशाल्लाह खूबसूरत है। लाइट कौन सी लगाए हुआ है इतना चमक रही है? इसके अंदर भाई मैंने अपना एक्वेरियम LED आता है, वो मैंने प्रीफर किया है। वो दिस इज अ नेचुरल कलर बिकॉज़ ऑफ द लाइट? नहीं, नेचुरल कलर ही है भाई वो, ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि उस पे इफेक्ट वगैरह आ रहा है, नेचुरल कलर ही है। बहुत ब्यूटीफुल माशाल्लाह, लवली। अभी इसके बाद अपना ये पोलर पैरेट्स है। पोलर पैरेट जी, इनको कॉन्विक चिकलेट भी बोलते हैं। ब्यूटीफुल फिश माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है भाई। ये अपने लोग को आ जाएगी 100 एंड 120 रुपीज़ पैर से, 120 रुपये की जोड़ी है। ठीक है। अब प्लीज़ ये कमेंट मत करना हमारा गालिब स्ट्रीट में इतने का मिलता है, गालिब स्ट्रीट इज अनरेगुलेटेड मार्केट। हाँ वो तो भाई अभी देखो आप अगर क्वांटिटी लेते हो तो क्वांटिटी का रेट भी अलग हो जाता है। वहाँ पे तो मैंने सुना कि लोग घर वाले लेके आते हैं, देखते हैं कलकत्ता वगैरह में, वो तो वो अलग मार्केट हो गया भाई, वो अलग मार्केट। कलकत्ता में सस्ता ही है वहाँ पे भाई, अभी खुद के घर की खेती भाई तो सस्ती ही रहेगी। बहुत ब्रीडिंग हो रही है ना, लेकिन अभी तो चालू है भाई सीजन का। अभी मैं बताता हूँ आपको, फिशेस का मार्केट जो है ना भाई वो बहुत डाउन हुआ है, एंड कुछ जगह जो था जहाँ ब्रीड नहीं होता था वहाँ पे भी ब्रीड चालू हो गया, तो ये चक्कर में थोड़ा माल का आगे पीछे हो रहा है। अभी हमारा फ्रेंड उजैर काजी, उसका भी हैचरी है बॉम्बे में, बदलापुर रेगुलर। आप जो बेच रहे हो ना वो है, मैं आपको कॉन्टैक्ट दूंगा। चलेगा 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 इंशाल्लाह, मैं कॉन्टैक्ट करता हूँ उनसे। तो मुझे तो ऐसा है कि भाई मुझे हैचरी वाले मिले तो मुझे बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है वो बंदा भी शेरविन है। मैं आपको चलेगा इंशाल्लाह भाई, आप मुझे नंबर दो, मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता हूँ। तो ये हो गया हमारा व्हाट एल्स? एंजल 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 बताइए। ये अपना 60 रुपीज़ पैर से आ जाएगी। कौन सी एंजल बोलते हैं? ये अपना डेविल एंजल्स है, डेविल एंजल जी, डेविल एंजल 60 रुपये जोड़ी, 60 रुपये जोड़ी से आ जाएगी। शार्कफिश रेमबो शार्क, ये भी अपने लोग को 80 रुपीज़ पैर से आ जाएगी, एंड इसके अंदर जो है ना अपना 2 वैरायटी है, अपना बाम भी है उसके अंदर। क्या है ये? हील बाम आता है ना, वो भी है इसके अंदर जी, रेप्टाइल्स वैरायटी है। ये अपने लोग को 150 रुपीज़ पैर से आ जाएगा, जो सांप जैसा है जी, जो सांप जैसा है वो। और ये तो भाई सबसे पसंदीदा तो अगर रेती रहेगी तो अंदर घुस जाता है। हाँ वो पूरा अंदर जाके बैठता है भाई। और इसके बाद जो फिश है भाई वो तो आप पकड़ वकड़ सकते हैं। हाँ हाँ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। ये इलेक्ट्रिक वगैरह हील नहीं है, ये हील बाम है नॉर्मल हील। ओके। ये व्हाइट वाली? ये रेमबो शार्क है, रेमबो शार्क जी, एल्बिनो रेमबो शार्क है। ये 80 रुपीज़ पैर से, 80 रुपये की, 80 रुपये जोड़ी से। ये भी 80 रुपये जोड़ी, 80 रुपये की शार्क फिश है। और हील फिश कितने की बोले? हील फिश जो है 150 रुपीज़ पर। और ये गोल्ड फिशेस आप लोग को आ जाएगी 50 रुपीज़ पैर। दिस इज वेरी रेगुलर, दिस इज फीडिंग फिश होगा? नो दिस इज, ये साइज जो है फीडिंग के लिए नहीं होता, फीडिंग के लिए जो है वो अलग है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। आपके पीछे ये वो आप वो कवर कर सकते हो। ये वाली जी ये फीडिंग फिशेज, अरवाना वगैरह, ये अरवाना हो गई, ऑस्कर हो गई, जो भी मतलब मॉन्स्टर फिशेज रहती है उन लोग के फीडिंग के लिए ये यूज होती है। दिन में एक डालो बहुत है भाई, एक साइज के ऊपर है भाई जी। ये अपने लोग को मैंने ये भी सुना हूँ कि अरवाना बैन हो गई है। बैन तो हुआ है भाई, अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसा बैन हुई है, अरवाना हुई है, बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसा फ्लावर ऑन पे भी चालू था स्ट्राइक वगैरह, बट अभी नहीं चल रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लावर ऑन अभी सब चल रहा है, नहीं अभी चल रहा है, अभी नहीं, अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी सब चल रहा है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो आपने फीडिंग गोल्डी का, ये अपने लोग को 10 रुपये पीस से आ जाएंगे, 10 रुपीज़ फॉर अ पीस जी, 10 रुपीज़ फॉर अ पीस। वीडियो जी वीडियो इसमें अपने लोग को आ जाएगी 70 रुपीज़ पेयर से। एंड इसके अंदर आपने देखा रहेगा अरवाना भी है, सिल्वर अरवाना, टॉक अबाउट अरवाना, अरवाना ये तो सस्ती होगी ना अरवाना, रेगुलर अरवाना यस, ये अपने लोग को आ जाएगी 750 रुपीज़ से, 750 रुपये। मैंने बहुत नेगोशियबल रेट रखा हुआ है अरवाना का। डू यू नो इट इज़ अ मेल और फीमेल, विच वन दिस अरवाना? एक्चुअली कैसा ना फहद भाई, ये साइज़ जो है बहुत छोटा है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है इनका। कम से कम 1 फीट होने के बाद ही कंफर्म मालूम पड़ता है कि ये मेल है या फीमेल है, बिकॉज टेल का ग्रोन अप हुआ नहीं है प्रॉपर। तो ये अरवाना एक ही रख सकता हूँ मैं टैंक में? टैंक के अंदर अरवाना जो है वो ऑड नंबर्स में ही रहती है, तो 1 हो गया 3 हो गया इसके साथ रख डाला। ये एक्चुअली कैसा है ना, जो अभी अरवाना ये छोटे साइज़ में, और ये मैं इसको मतलब जब से लाया तो मेरा एक ऐसा था कि मैं एक अरवाना को कम्युनिटी सेटअप में रख के देखूँ कि वो सेट होती है नहीं, जैसे मैंने एक्चुअली कैसा ना फहद भाई, मैं उसको यही कर रहा हूँ, वो मेरे पास बहुत टाइम से फहद भाई, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है उसको, उसकी किलिंग नहीं मार रहे हो। मैं उसको मतलब ऐसा कर रहा हूँ कि भाई वो कम्युनिटी में एडजस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं भाई उनको अरवाना पालने का शौक होता है, बट कोई अगर आप शॉप से लेते हो तो डायरेक्ट भाई अरवाना सेटअप देता है, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको सेट करूँ प्रॉपर, और अगर वो सेट हो जाती है तो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ रहेगी कि मैंने जो चाहा वो चीज़ हुई, कि मैं उसको कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दूँ जी। एक्चुअली कोई चाइनीज़ में लोग शायद से इसको गॉड वगैरह भी मानते हैं, इसकी पूजा वगैरह भी करते हैं। आप लास्ट टाइम पे आपने कवर किए थे शायद मेरे पास जाइंट साइज़ के अरवाना जी, मैं रखता ही हूँ अरवाना, मेरे हर जितनी भी शॉप है मेरे तो पैसे बढ़ते हैं बस भाई पता है मैं आपको, है गुड लक है, पैसे तो नहीं बोल सकता लेकिन गुड लक है भाई। अच्छा कि डेलीकेट होती है, अगर मैं लेके जाऊँ, मेरा टैंक पूरा खाली है, अगर मुझे रखना है बच जाएगी कि बहुत डेलीकेट? नहीं नहीं डेलीकेट नहीं है, बच जाएगी, स्ट्रांग है भाई, ऐसा नहीं है डेलीकेट है। ओके तो वीडियो कितने की बोला आपने? वीडियो 70 रुपीज़ पे, 70 रुपये की, 70 रुपये की अरवाना, 750, अरवाना 750। ज़ेबरा वगैरह जो है 40 रुपीज़ की पैर है, ये 40 रुपये, 40 रुपया जोड़ी। ओके और क्या है? गप्पी, गटर गप्पी है अंदर? गटर गप्पी नहीं है भाई, तो इतनी छोटी छोटी क्या है? ये जो है अपना, ये अपना क्या बोलते हैं, प्लाटी वगैरह इसके अंदर नहीं, गप्पी है ना, क्या है किधर? अच्छा ये कलरिंग गप्पी की फीमेल्स है भाई, इधर इस साइड मैंने मेल रखा हो और उधर फीमेल रखा हो, ये जो है इसमें पूरे मेल डिवाइड करवा कर, नहीं नहीं मेल और फीमेल डिवाइड कर रहा था मैं जी, हाँ मेल भी है उसके अंदर। आजकल वैसी गप्पी नहीं आती जो पहले आती थी, लॉन्ग टेल वाली, जो पहले आती थी रेड टेल गप्पी वाली, पानी हो गया खड्डा भरा तो ऐसी गप्पी पैदा हो जाती है। अभी बोल रहा ना फहद भाई, फिशेस के अंदर इतनी सारी चीज़ें चेंज हो गई ना भाई, कि हम लोग खुद मतलब 4 साल पहले लाते क्यों नहीं, मैं बोरीवली में देखता हूँ, बोरीवली में तो बहुत लोग रखते हैं। एक्चुअली कैसा है ना फहद भाई, एरिया के हिसाब से होता है, जैसा अभी आपने बताया कि वॉकिंग है, ऑनलाइन है, क्या है, और मेरे पास जो ज़्यादा कस्टमर है भाई वो मतलब रेगुलर फिशेस के हिसाब से, यहाँ पे इतना कोई शौक नहीं कलरिंग गप्पी वगैरह का, बट मैं चाहता हूँ कि लोगों में बढ़े, तो मैं वो चीज़ इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि मैं वो चीज़ें रखूँ। खैर ठीक है, वो हो गया हमारा। और व्हाट एल्स वी हैव? नीचे ये अपना शार्क, टाइगर शार्क, किसी को बोला अल्लाह की बनाई चीज़ है, बट इतनी बुरी लगती है मेरे को जब बड़ी होती है। अगर किसी को फिश पालना है और उसको ऐसा रखना है कि भाई वो मेरे साथ हमेशा सारे मरे नहीं, तो ये ले ले भाई, ये हमेशा साथ देगी भाई, ये बहुत इतनी बड़ी होती है, इतनी गंदी साइज में, तो फटाफट ग्रोथ हो जाती है, और भाई एकदम हार्ड है भाई, एकदम बहुत ग्रोन अप साइज होता है भाई लोग का, फटाफट ग्रोथ होती है इनकी, और खाने पीने में तो भाई माशाल्लाह एकदम। और बस कितने की? 20 रुपये की, कितने की? ये 50 रुपीज़ पैर है भाई ब्लैक का, वही 20 रुपये यहाँ, 25 रुपये पैर है, सस्ती रहेगी, कोई प्रेफर नहीं कर रहा। दिखता है कि माल आप रखते हो। अरे भाई ये यहाँ पे जाता ही है सब, जैसा आपने बोला ना कि मैं बोरीवली का गया वहाँ गप्पी वगैरह, तो जैसा एरिया वैसी चीज़ें भाई, और यहाँ पे भी अलहमदिल्ला ऐसा नहीं है कस्टमर ये करते, कस्टमर्स यहाँ पे आते हैं मेरे पास भी गप्पी वगैरह। एरिया की बुराई करते हो? नहीं नहीं भाई एरिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ भाई, अभी कहते हैं ना बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता कि भाई कलरिंग गप्पी क्या है, वो यहाँ पे आने के बाद हम लोग उन लोगों को समझाते हैं। ये भी मरती नहीं है, आप थक गया मरेगी नहीं, सकर है भाई। ये मेरे एक दोस्त था भाई, मतलब समझ लो तुम 3 साल से टैंक साफ नहीं किया था, एंड हम लोग गए उसके घर पे देखने के लिए, बहुत पहले की बात है, तो हम लोग पानी खाली कर रहे हो, ऑटोमेटिक देख रहे हो तो दो शक्कर निकलती, वो भी जिंदा। कितने की है ये? अपने लोग को आ जाएगी 70 रुपीज़ की। और ये छोटी वाली 50 रुपये की जोड़ी आएगी। अच्छा, लेकिन ये तो खैर वेरी ऑर्डिनरी, लेकिन आजकल फेसबुक पे मैं देखता हूँ इंटरनेशनल जो लोग है जी, वहाँ ब्लैको इसी को बोलते हैं, ब्लैको इसी को बोलते हैं। क्या कलर आ गया यार इसके अंदर, एक से एक। तो आप लाओ ना, वो डिफरेंट टाइप्स के। इंडिया में नहीं है? इंडिया में भाई सब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चालू है, मेरा काम चालू है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो लेके आओ। वो तो बताना बाद में, मार्केट वगैरह से प्रीफर ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ ये सब चीज़ें। अच्छा, ये तो ये फीडिंग है भाई, कोई फीडिंग कोई वगैरह आती ना, मतलब जी ये फीडिंग फिश है। ओके, जैसे अभी आपने बोले कि जो गोल्ड फिश है या अरवाना वगैरह, तो जो छोटे साइज़ की मॉन्स्टर फिश रहती है वो छोटे फिशेस को करती है, तो ये उसके हिसाब से ये है। ये अपने लोग को 20 रुपये डर्जन चाहिए। 20 रुपये डर्जन? हाँ, 20 रुपये की 12। अरे भाई फीडिंग फिश है। उसके अलावा ये वाली एंजल नहीं कवर किया जी। इसके अंदर अपना ऑरेंज एंजल एंड रेड कैप एंजल्स है। और दिस एंजल इज दिस डेविल वन, दिस डेविल वन एंड दिस वन इज अ रेड कैप एंजल एंड दिस मार्बल, दिस वन इज मार्बल। कितनी है ये? अपने लोग को आ जाएगी 150 रुपीस। 150 एंड दिस येलो वन, ये भी आ जाएगी अपने लोग को 180 रुपीस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस वन इज अ रेड कैप एंजल। रेड कैप तो ऐसी नहीं रहती है, तो घास रेड रहता है ना पूरा, है ना भाई। इसके अंदर तो पूरी बॉडी रेड लग रही है, पूरे टाइप के एंजल इसमें मिक्स है भाई। पीछे जो है वो भी देखो, रेड कैप ये वाली है जो ऑरेंज वाली है ना, ये ऑरेंज एंजल है भाई। मुझे लगा आप ये कवर कर रहे हो, इधर है रेड कैप पीछे का, देखो एक पीछे नीचे बैठी हुई उस तरफ। कितने की है ये? अपने लोग को 180 रुपीज़ पैर से आएगी। ठीक है। और शुभम किंग है। कितने की है ये? अपने लोग को 60 रुपीज़ पैर से आ जाएगी। ये भी मरेगी नहीं, आप लेके रखो। एंड भाई ये रेड कैप और अंडा जी, ये अपने लोग को आ जाएगी 300 रुपीज़ पैर से। इसका साइज़ बहुत अच्छा है भाई, मैं मतलब स्पेशली मतलब ऐसा देखा है, मैं बोला भाई दे दे। मेरे कस्टमर के घर पे थी भाई ये चीज़, तो मैंने उसको वहाँ से लेके आ गया। ये मतलब मार्केट में जाऊँगा ना तो भाई हो गया मेरा भाई, ये चीज़ जो रेट में आपको बोल रहा हूँ ना वो रेट से हाई तो मेरे को पड़ेगी है, तो इसका साइज़ इतना अच्छा है। इनके लिए ग्रेवल वाला एक्वेरियम सेटअप मत रखो। हाँ, इतना घान कर डालेंगे। गोल्ड फिश है ना भाई, बहुत ही मतलब कचरा करती है, बट ऐसा नहीं कि भाई वो बोले ना भाई खूबसूरत है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, वो करे अपने लोग को। माशाल्लाह बेटा का कलेक्शन बहुत अच्छा है आपका। नहीं भाई, अभी फीमेल का स्टॉक में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि भाई मेल तो सब रखते हैं, पब्लिक लेती है ना ये। जी जी, बहुत भाई मेल फीमेल, क्योंकि भाई बेटा पालने वाले बहुत है, क्योंकि विदाउट मेंटेनेंस फीस है, उनको ऑक्सीजन लगता है ना कुछ, तो भाई बोलते एक रख के क्या करेंगे, तो फीमेल और मेल। ये मेल है या फीमेल ही है? ये फीमेल है। फीमेल पीछे जो देखो कौन सा? नहीं, फीमेल है भाई, सब फीमेल है, सब साइज की है यार। नहीं फीमेल है भाई, बहुत अच्छा स्टॉक आया है इस बार, मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक आया है। अभी अपना जाइंट गोरामी, अल्बिनो जाइंट गोरामी, ये बहुत बड़ी होती है। जी जी, बहुत बड़ी होती है। ये अपने लोग को 600 पैर से आएगी। 600 रुपये जोड़ी। 600 रुपये जोड़ी। इसको क्या बोलते हैं? क्लाउन लोज है भाई ये। क्लाउन लोज जी। हाउ मच इज इट फॉर? ये अपने लोग को आ जाएगी 250 रुपीज़ पैर से। सारे इसमें रेड ब्लड जो है वो अपने लोग को 700 रुपीज़ पैर से आएगी। और जो येलो वाली है उसके अंदर भाई उसका जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे वो हार्ट शेप में, तो जो ये येलो वाली पैरेट है ये अपने लोग को 900 रुपीज़ पैर से आ जाएगी जी। ये इसमें भी कोई वैराइटीज़ रखा हुआ है मैंने, ये वही 60 रुपीज़ पैर से आ जाएगी। गप्पी अपने लोग को आ जाएगी 180। ये दो तीन टाइप्स के उसमें मिक्स है, तो उसके हिसाब से रेट रहेगा। किसिंग फ़ीस जो है ये अपने लोग को आ जाएगी 60 रुपीज़ पैर से। ये बहुत लो मेंटेनेंस है भाई, इसको ऑक्सीजन भी नहीं लगता है, मतलब भाई एकदम टिकाऊ मछली। और इसको हाथ से पकड़ने की गलती मत करना, कांटे बहुत खतरनाक रहते हैं। सेम विद ब्लू गुरामी एंड गोल्डन गुरामी का भी सेम रेट है, ये भी लो मेंटेनेंस है, इनको भी ऑक्शन वगैरह नहीं लगता। ये कोए है कि अच्छी लग रही है, ये जो है ये काबूटो कोए है। कितने की है ये जो है? ये अपने लोग को आ जाएगी 120 रुपीज़ पैर से जी। और गुरामी कितने की? गुरामी 60 रुपीज़ पैर से आ जाएगी, 60 रुपये जोड़ी से आ जाएगी जी। मेल फीमेल सब है ना? मेल फीमेल सब है इसके अंदर। कोई भी गुलामी ले लो, कोई भी गुलामी ले लो, 60 रुपीज़ पैर से। पाकू कितने की? पाकू है ये ले लो आगे 50 रुपीज़ पैर से भाई। और उसके अंदर जो कोईज है ना भाई, वो काबूटो कोई बहुत शाइनी होती है, जब उनका साइज़ ग्रोन अप होता है ना भाई मज़ा आ जाता है भाई देखने में एकदम। टिंग फॉइल अल्बिनो टिंग फॉइल बाब है एंड सिल्वर टिंग फॉइल बाब है। शायद मैं चालू करवा दो लोगों को, कोई बात नहीं। कितने की आएगी ये? अपने लोग को 80 रुपीज़ पैर से आ जाएगी। 80 रुपये। और सिल्वर वाली जो है उसका साइज़ थोड़ा आप है तो 100 रुपीज़ पैर से आ जाएगी जी। यहाँ का माल हो गया, अब कैन वी गो टू द अदर शॉप एंड शोकेस वो जो मेल फाइटर है। आप में थोड़ी बहुत चीज़ें वो भी आप बता सकते हैं। पहले फिश कवर कर लें, फिर विल कम बैक एंड मैं पॉज करता हूँ। और फैजान, वी हैव कम टू योर नेक्स्ट सेटअप जी। अब मेरे पास अभी बेटा का स्टॉक है, वो भी दिखा सकते हैं। फीमेल देख लिया हमने, मेल देखिए अभी मेरे पास। फीमेल तो आप लोग ने देखा, अभी मेल का स्टॉक दिखाते हैं। चलिए, ये अपना फुल मून में वाइट बेटा रखी हुई है। कितनी की आएगी? ये 150 रुपीज़ की आएगी। ये भी सेम रेट की आएगी। नाम बताइए। ये अपने पास ये भी फुल मून में ये बैठा भाई। हाँ ये है। और ये देखो ये जो इंडियन वन ना। हाँ ये सब इंडियन वन। कितनी की? ये अपने लोग को 150 से। ये सारे जो भी लो 150 सारे, ये सारे 150 रुपीज़ के आएंगे। एंड मेरे पास एक डम्बो ईयर है, वो देख लो आप। ये देखो यार बहुत खूबसूरत है भाई, इसका डम्बो ईयर है ब्रीड का जी। ये अपने लोग को 200 रुपीज़ की आ जाएगी। 200 रुपये की जी, 200 रुपये की आ जाएगी। बाकी सब तो आप देखो फुल मून वगैरह की वैरायटी रखी है। और ये क्राउन टेल एक रखी हुई है देखो। ये आ जाएगी 180 रुपीज़ की जी। ये भी ग्राउंड टेल है, ये अपना रोज सेल है। ये 160 रुपीज़ की, 160 रुपीज़ की ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे लोग बोलते हैं ग्लास में क्यों रखते हैं भाई, दुकान वाले हैं, फास्ट रनिंग आइटम है। फास्ट रनिंग आइटम है भाई एकदम, बहुत बहुत। तो ज़िंदगी भर ये लोग ग्लास में स्पेंड नहीं करते। ज़िंदगी भर की तो नहीं, लेकिन भाई कैसा रहता है, अभी मेरे पास डेली का रेगुलर वाला आइटम है फास्ट भाई, तो फटाफट चले जाता है। कस्टमर आया, पसंद आया, लो मेंटेनेंस है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, ना ऑक्शन का ना कुछ है, लेके जाओ सीधा उठाएंगे। और रेट भी भाई सा हाई नहीं है कि भाई 300 200। अच्छा, सिर्फ डेटा पालने का है हमारे को। वी डोंट वांट टू कीप देम इन अ प्रॉपर बिग टैंक। डू यू हैव अ बेटा स्पेसिफिक टैंक? बेटा स्पेसिफिक मेरे पास टैंक है। बेटा हाउसेज आते हैं आजकल, तो वो सब बेस्ट रहेगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ सिंगल उसका। ये मैंने भी लिया था बट साफ़ करना बहुत मुश्किल है इसका, कुछ दिनों के बाद ब्राउन ब्राउन पानी हो जाता है। आप वो एलमंड लीव्स जो आता है वो यूज़ करते थे क्या? नहीं, एलमंड लीव्स जो है वो यूज़ करना पड़ता है फादर बेटा के स्टॉक के लिए। अच्छा। क्योंकि वो कैसा रहता है, उनका पीएच लेवल मेंटेन करना पड़ता है। थोड़ा एनिमल अब्यूज नहीं लगता है? नहीं भाई नहीं। बेटा हाउस जैसे आपने बोला ना, बेटा को कीप करने के लिए क्या है, तो ये बेटा हाउस के लिए, दूसरी फिशेज के लिए नहीं, सिर्फ बेटा के लिए। मेल फीमेल मैं अगर बेटा के हिसाब से अगर आप बोर स्टार्ट करना है तो ऐसे डबल वाले टैंक भी आते हैं, पार्टीशन वाले, क्योंकि डायरेक्ट आप मेल फीमेल तो रख नहीं सकते हो, तो आपको ऐसा पहले सेट करना पड़ेगा। फिर बीच का जो ये पार्टीशन है ये अलग हो जाता है, तो ये अलग करके आप उनका ब्रीड करवा सकते हो। और उसके बाद बेबी वगैरह का जो प्रोसेस रहता है वो तो ये टैंक में रहेगा नहीं, उसके लिए अलग सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए अलग सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए फिर अपने लोग को एक छोटा सा टैंक बनाना पड़ेगा, एंड उसका सेटअप करना पड़ेगा उनके बेबीज़ वगैरह का। फिर उनका फीड हो गया, वो सब मेंटेन। मैं तो फ्राइज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो जर्दिया आता है ना जो एग का, वो ज़्यादा मैं वो कर रहा हूँ। और उसके बाद तुमको मालूम है पानी तो मॉइली हो जाता है, वो कैसे बनता है? आपने बनाया? मैंने वो चीज़ नहीं किया, मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा यही अंडे की जर्दी जो आपको बोल रहा हूँ वो ज़्यादा मैंने वो किया हूँ। अंडे की जल्दी से बहुत टैंक खराब हो जाता है। फटाफट मैं साइफन देता हूँ ना भाई। अभी अगर वो चीज़ मतलब मैंने रिजल्ट देखा वो चीज़ का, तो वो तुम्हें को अच्छा लगा तो मैं वो बोला थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो चल जाएगा। तो अगर हमारे पास ड्राई डेफनिया होगा वी कैन पुट। हाँ डेफनिया भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पास अभी ड्राई डेफनिया का रखा हुआ है। रेगुलर कीड़े और डेफनिया आती है। हाँ वो मेरे पास ड्राई रखी है, लाइव में नहीं है। लाइव में अगर किसी को चाहिए तो मैं वो अरेंज करवा के दे दूँगा, उसका भी मेरे पास है, वो भी अरेंज हो जाएगा। किसी को अगर चाहिए रहेगा तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या है? और कुछ और है थोड़ा बड़ा टैंक, मतलब समझ लो बेटा रखने के लिए और भी टैंक्स है, मतलब वो सेटअप पे है वाले, वो भी अपने लोग को मैं दिखा देता हूँ, चल के अगर उधर जाके देखना है तो। ठीक है चलिए वो करते हैं हम जी। और अगर ऐसा मल्टीपल ऑप्शन में बेटा रखना है तो ऐसे छोटे छोटे बेटा को कवर करने वाले भी है ये टैंक। ये देखिए, मतलब समझ लो किसी को 3 कीप करना है एक साथ तो ये जिसमें भी कीप कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम। बहुत छोटे यार, मेरे को मतलब फहद भाई ऐसा है ना कि मतलब किसी को लेने का मत बदवा की बात नहीं है। फहद भाई मेन कैसा है ना, कोई लेके जा रहा है उसको डिस्प्ले वगैरह करना है कुछ टाइम के लिए, और एक ही जगह पे रखना है। कम से कम 1 फीट का टैंक दो। हाँ अगर आप अरे ब्रीड के हिसाब से आप बोल रहे हो तो ठीक है 1 फीट के हिसाब से, बट अभी इन लोग ने बेटा हाउस जो बनाया तो कुछ सोच के ही बनाया है, और बेटा को ऐसा आप बोल रहे हो तो इतना नहीं चलता है। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट एक्सेसरीज। कुछ टॉयज वगैरह है आपके पास? एक्सेसरीज में अपने पास अपना ये आर्टिफिशियल्स वगैरह रखे हुए, ये क्रूड रखा हुआ है मेरे पास। इसके क्रूड ये ठीक है। और अपना कितने का आएगा? ये आ जाएगा 250 रुपीज़। हम लोग नहीं रख सकते, इस्लाम में अलाउड नहीं है। ये स्केलेटन भी नहीं रख सकते। एंड देखो ये भी है मेरे पास। ये पत्थर है क्या? नहीं वुडन है। वुडन है, पत्थर वाला नहीं है। ये अपने लोग को आ जाएगा 180 रुपीज़। 180 रुपीज़। ये भी देखो बहुत खूबसूरत है, फ्लावर टाइप में। अच्छा पहले जो टॉयस आते थे ना, वो शिप खुलती थी, शिप जी वो सब भी है। वो ऐसा एक एक्वामैन आता था, वो अभी भी चलता है। अभी भी चलता है भाई वो सब। कहाँ का आइटम है? इंडिया का? नहीं इंडिया का नहीं, चाइना का। मेड इन चाइना। डू वी हैव सम? क्या वहाँ पे मैंने वहाँ पे डेकोरेट में करके रखा है वो। एंड मेरे पास प्लांटेशंस वगैरह भी, वो भी दिखा दो। लाइव आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह भी है। ये ऑन एन एवरेज क्या प्राइस की रहेगा? ₹25 से स्टार्ट है मेरे पास यहाँ पे जी। रियल प्लांट्स है आपके पास? रियल प्लांट्स जो है वो सामने वाली हुई कि उसमें रखे, वहाँ पर जाते हैं चलते थे। वहाँ पर जाने से पहले आपका एक बड़ा मॉन्स्टर टैंक है। ये मॉन्स्टर टैंक है मेरे पास, इसके अंदर जो अपने पास जैपनीज कोई वगैरह रखी है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जापानीज कोई एंड रेगुलर कोई एंड इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, इनका जो फेड हो गया कलर्स में, वो सब बहुत अलग हो जाता है भाई, देख के समझ में आ जाता है जी। ऑल आर जापानीज कोई। अरे एक लाइट चालू रखना बेटा, एक मिनट रुक जा आदिल, क्या हो गया है? खेल रहा है क्या बंद है? वो लूज है, चलिए कोई नहीं। ये हमने, अरे ये तो वो है ना जी, ये रेड पैरेट है, इतना बड़ा साइज होता है। अरे और अभी और मैंने एक्चुअली टैंक उसको जायंट दिया है तो उसका साइज और ग्रोन अप हो रहा है भाई। बड़ा ही लाए क्या अपने पास? नहीं, साइज बड़ा हुआ है भाई। कितने साल की होगी ये? अभी मेरे पास लेके इसको आके 1.5 साल हो गया है, तो उसकी उम्र वही 1.5-2 साल की होगी। हाँ 1.5-2 साल की, छोटी लेके आया था मैंने इसको। और ये जापानीज़ कोई कितनी? जापानीज़ कोई अपने लोग को आ जाएगी ₹900 पैर से। बेसिकली पॉन्ड फिश जी जी, पॉन्ड में इसका खूबसूरती जो रहती है वो अलग ही दिख के आ जाती है फहद भाई जी। ये सब सिल्वर अरवाना चाहिए, मैं खुद के लिए लेके आया हूँ भाई शॉप के लिए। ओके जी, चलिए वहाँ पर जाते हैं। विल कवर द रेस्ट ऑफ योर एक्सेसरीज, जो भी एक्सेसरीज मैं इनका फिश फूड वगैरह है वो सब भी आप कवर कर लेते हैं। जिया हम अपने ये सेटअप पे आ गए, इफ यू कम हियर। क्या क्या है? वो हैंग ऑन फिल्टर जी, हैंग ऑन फिल्टर है इसमें एंड फिश फूड है। उसके बाद कितने बड़े टैंक के लिए हैंग ऑन फिल्टर जो है ये अपना 1.5 फीट के टैंक के लिए रखा हुआ है। ये जो साइज़ है ये 1.5 फीट के टैंक के लिए। अच्छा, ये वाला हैंग ऑन फिल्टर डाले तो वी डोंट रियली नीड टू पुट दैट ऑक्सीजन का ना, बिकॉज़ ये जब फॉल होगा तो ऑटोमेटिक वेव बनता है। ये ऑक्सीजन का मीन्स ही ये रहता है, बात है कि पानी में वेव बनना चाहिए। अभी समंदर में तो कोई जाके ऑक्सीजन नहीं लगाता है, वहाँ पर तो वेव बनता ही रहता है। रुका हुआ अपन टैंक में जो है वो रुका हुआ पानी रहता है, तो उसमें अपने लोग को वेव बनाना रहता है, तो वही इसका मतलब होता है ऑक्सीजन। ओके, कितने का आएगा ये? अपने लोग को आ जाएगा भाई ₹400 का, ₹400 का। कितने फीट के टैंक के लिए? ये अपना 1.5 फीट से लेके 2.5 फीट के, 1.5 से 2.5 फीट का टैंक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास फूड है जी, फिश फूड वगैरह रखे हुए हैं मेरे पास, रेगुलर फिशेस के हैं। वो बताया था आपने बहुत फेमस है हेलो फीड का भाई, ये ठीक है। मैं जनरली लेता हूँ ये 948 का 2 डब्बा लेता हूँ मैं जी जी, 50 ग्राम के 2 डब्बे, 55 ग्राम का 55 ग्राम के 2 डब्बे आते हैं। ये देखो ये वाला, ये कितने का आएगा? ये अपने लोग को 10 ग्राम का है, ये ₹100 का आएगा। ये अपनी फिशेस के लिए बहुत ही अच्छा फूड है, बड़ा डब्बा भी रखा हुआ है। तो क्या वो अपने लोग को आ जाएगा भाई ₹500 का, 55 ग्राम का रहता है। वो बेस्ट है, वो बेस्ट रहता है भाई। वो अगर अपने फिशेस को आप यही देते हो तो वही रखो, क्योंकि भाई क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है इससे। आप लीजिए अभी देखो कैसा है भाई, डायरेक्ट अपन काजू बादाम खिला रहे हैं, काजू बादाम का रिजल्ट तो भाई अच्छा ही आता है, ठीक है। उसके अलावा भाई जैसे आई थिंक ये है क्या बोलते हैं, फ्लावर ऑन जी, फ्लावर ऑन उनके कलरिंग के लिए। अभी मैं फिलहाल फ्लावर ऑन के हिसाब से ना भाई मैं उसी को दे रहा हूँ। इसमें बीच में बहुत कॉपी वगैरह चालू, किसी ने बोला था कि भाई कॉपी और वो कैसे उसी को में बहुत ज़्यादा कॉपी आने लग गया था। बट हाउ डू वी ट्रस्ट कि आप जो बेच रहे हो, मैं जो बेच रहा हूँ ना भाई, सबसे पहले उसका पैलेट देख सकता हूँ। ये पैलेट ज़्यादा ऑयली नहीं रहेगा और उसका जो साइज़ जो ग्रेन्यूल्स है वो स्मॉल साइज़ के रहेंगे, और अगर आप कॉपी लेते हो तो पूरा ऑयल नीचे भरा हुआ दिख जाएगा। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ये रही। ये अपने लोग को ₹350 का क्वांटिटी है। ये अपने लोग को आ जाएगा 200 ग्राम से, 100 ग्राम जी, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या? उसके अलावा अपने पास फ्लावर ऑन के लिए इंच गोल्ड है एंड टस्कर्स वगैरह। अगर आप कम्युनिटी टैंक सब है, गोल्ड है, एंजल फेंजल सब है जी। एक तो बेस्ट है हेलो फीड हो गया, बेस्ट है दो। उसके अलावा अगर कम्युनिटी है तो मैं आपको ऑप्टिमम प्रीफर करूँगा, ऑप्टिमम 3 जी। बट वो छोटी मछलियों के मुंह में नहीं जाता है, ये स्मॉल पैलेट्स ही रहता है। ऑप्टिमम के जितने भी फूड्स हैं वो सब स्मॉल पैलेट्स के रहते हैं। अगर आपके पास कम्युनिटी टैंक है तो आप ये प्रीफर करो, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। उनकी हेल्थ से लेके उनके कलर तक के बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट। कितने का आएगा ये? अपने लोग को आ जाएगा ₹160 का। अगर ये डालो और साथ में हेलो फीड डालो, जाहिर सी बात है बहुत अच्छा। हेलो फीड जो है ना अपनी फिशेस को हेल्दी करता है, एकदम ग्रोन अप कर देगा, मस्त मेंटेन फैटी कर देगा, लेकिन जो कलर है वो भी तो रहना चाहिए। तो अगर आप दोनों ये देते हो तो उसका कलर भी बहुत अच्छा होगा। कितने का बताया? ये अपने लोगों को ₹160 का, ₹160। और इसमें ऑप्टिमम में एक और एक वेरिएंट आता है जो सिर्फ नॉर्मल फिशेस के लिए रहता है, वो भी आप प्रीफर कर सकते हो, ₹60 का आता है जी। उसका क्वांटिटी 100 ग्राम रहता है। अरे ये भी रखते हो आप ये बजीज वगैरह के लिए? जी जी, ये ब्रीडिंग बॉक्स, उनका नेस्टिंग हाउस वगैरह बर्ड्स का। ₹60 से स्टार्ट है भाई एंड ₹250 तक के मेरे पास। बहुत बढ़िया। और आपने वो सब मिल जाएगा, साइफन पाइप वगैरह भी मेरे पास अवेलेबल है, जितने साइज है सब है। लाइट बताओ, एक तो प्लांटेड एक्वेरियम की लाइट बताओ। मैंने आपसे पूछा तो आपके पास था ही नहीं तभी। नहीं है, स्टॉक रखा हुआ। एक्चुअली वो टाइम पे कैसा था, बाद में मैं ज़रा दूसरे काम में बिजी था, तो वो टाइम पे मैं आपसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। ये देखिए मैंने यही लिया हूँ, ये वो एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होता है बराबर, ये लैंप टाइप का रहता है एक्वेरियम लैंप, प्लांटेशन बहुत ब्राइट होता है यार, आपकी आँख अंधे हो जाओगे वैसे, इतना ब्राइट होता है, बहुत अच्छा रहता है, तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता होगा। मैंने अभी लगाया नहीं, खरीद के रखा हूँ, बट मैंने टेस्ट किया, बहुत ब्राइट होता है। नहीं ये जो है ना भाई, अगर मैं जैसे आप बोले ना आपने लाइट कौन सा प्रीफर किया हो, प्लांटेशन टैंक के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, बट इनका पावर जो है वो मेरी नॉर्मल लाइट से भी ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रहता है भाई। ये कितने का है? ये अपने लोग को आ जाएगा भाई 700। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका साइज ही 1.5-2 फीट होगा, और ये है ना बड़े टैंक के लिए भी आप ये एक्सटेंड कर सकते हो, इसको एक्सटेंड कर सकते हो आई थिंक। और ठीक है, और इसको ऊपर रख दो, ऊपर रख दो, ये लैंप टाइप रहता है, लैंप जैसा रहता है ना उस टाइप का रहता है, ये ऊपर से लैंप कर दो। लेकिन आई थिंक बिना छत के अच्छा लगेगा, बिना छत के कवर मत रखो, ये रख दो। जैसे आपने बोला ना प्लांटेशन टैंक के लिए, तो प्लांटेशन टैंक का सेटअप नॉर्मली विदाउट शेड ही रहता है भाई। और एक मैंने जो लेके आया था 2 साल पहले, मैंने एडीए का बनाया था। अच्छा एडीए का सेटअप, हाँ उगाया भी था अच्छा खासा, लेकिन फिर मेंटेन करना हालत खराब हो। जैसा अभी आप बताए ना कि थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आपको ट्रैवलिंग वगैरह करते हो तो वो चक्कर में तो इशू हुआ रहेगा। वो क्या था, एक यानी साइड में अटकाने का और ऊपर से लैम्प, स्ट्रीट लैम्प जैसा था। अच्छा। Do we have that kind of? उस टाइप का तो नहीं, क्योंकि अभी ये ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एक्सटेंड वगैरह भी हो जाता है, तो ये ज़्यादा कस्टमर प्रेफर करता है। ये कितने का आपने बोला? ये 700 रुपीज़ का है। और इससे छोटा वाला? इससे छोटा वाला भी मिल जाएगा, अभी वो साइज़ रखा हुआ है, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए छोटा एक्वेरियम के लिए भी है, ब्रैकेट एक्वेरियम लाइट एक्चुअल। अच्छा मेरे को एक सवाल पूछना था आपका, हम जो पावर फिल्टर लगाते हैं, मेरे को नॉलेज नहीं था, किसी ने, मैं तो इतने सालों तक के आधा ऊपर ही रखता था पानी के ऊपर, किसी ने बोला पूरा सबमर्ज करना पड़ता है, व्हाट इज द राइट वे? वो पावर फिल्टर जब हम लगाते हैं पूरा वाटर के अंदर सबमर्ज करना चाहिए? पूरा वाटर के अंदर करना चाहिए, वो सबमर्सिबल रहता है। ओके। एंड अगर आप उसको वाटर के बाहर रखते हो तो वो मोटर कंटिन्यू चालू रहता है, वो हीट प्रोड्यूस करेगा, एंड उसके बाद वो जलेगा एंड ब्लास्ट वगैरह होने के चांसेस रहते हैं, तो आप उसको पूरा पानी के अंदर रखो, क्योंकि सबमर्सिबल रहता है। हमें ऐसा डर रहता है कभी खुदा ना खास्ता, नहीं वो पूरा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसके बॉक्स पे एक्चुअल मेंटेन रहता है कि सबमर्सिबल है, जैसे हीटर हो गया, एनो फिल्टर हो गया, ये है सबमर्सिबल लैंप। सबमर्सिबल लैंप है मेरी तो अंदर डाल दो यार कभी उसका। नहीं फाद भाई आप जो बोल रहे हो ठीक है, जो लाइट रहता है उसके इशू नहीं आते, उसमें जो कलर चेंजिंग के बटन आते हैं अगर वो गया तो भाई वो सबमर्सिबल नहीं रहता है, तो उसमें हुआ रहेगा आपके साथ सक्शंस रहता है। जी जी कितने का है ये? अपने लोगों 1 फीट के टैंक के हिसाब से ये लाइट है जो फर्स्ट वाला है, ये अपने लोगों 180 रुपीज़ का आएगा। इसमें जितने साइज वेरिएंट है वो सब है, 180 से लेके 350 तक के है इसके अंदर। चलिए जी। और जो है ऑक्सीजन मशीन, वो बताइए मशीन होगा। ये मैं जनरली व्हाट आई पर्सनली प्रेफर, आई थिंक आप हर एक ब्रांड बेचो, बट मैंने RS का जो लिया ना बहुत कम आवाज़ करता है। आपने जो लिया वो लो नॉइज़ वाला लिया, मैंने वही प्रीफर किया था, मेरे पास लो नॉइज़ भी है। ठीक है ये लो नॉइज़ वाला है। इसमें मसला क्या हो गया, मैंने आपसे जो पाइप लिया था ना जी, वो पाइप का प्रॉब्लम ये है कि वो निकल जाता है ऑटोमेटिकली, और जो अपना जैसे रेगुलर पाइप है लाइक दीज वंस, मोटा वाला जो जाड़ा वाला होता है, वो अटका रहता है, वो जिंदगी भर चिटक जाएगा, फिर घसीट नहीं पाओगे। और आपने जो दिया था ना वो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। जो आपको दिया था वो सिलिकॉन पाइप था, मैं उसके बारे में दैट इज नॉट गुड यार, वो कितना बार बार निकल जाएगा। आप जैसा बोल रहे हो ठीक है, बट जो आप अपना पहले वाले जो पाइप आते थे ना, समटाइम ऐसा होता था कि एयर पास होती नहीं थी, कड़क हो जाता आप जैसे बोले, और जो सिलिकॉन पाइप है आप ये कैसा भी कंडीशन में रखो इसमें से एयर पास होता है। सिलिकॉन पाइप का डिसएडवांटेज ये है कि वो ऑटोमेटिकली इससे बाहर आ जाता है। एक्चुअली ये अभी निकला है, और जो मशीन्स वगैरह है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग है बहुत टाइम से चालू है, तो जो नोजल से अभी कंपनी वगैरह उसका साइज चेंज कर रही है, क्योंकि ये पाइप जो है आगे यही पाइप चलने वाला है। और एक तो यार लगाने के लिए इतना मुश्किल, हाउ डू यू फिट इन यार, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो पीछे ये जो अभी पाइप जो आ रहे सिलिकॉन, जो मशीन पहले मैन्युफैक्चर हुआ उसका नोजल लोग ने अंदर करे, डीप करे हुए, जो लो नॉइज का नोजल है वो थोड़ा अंदर है, तो अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, इतना पतला होता है आप इसके नोजल के अंदर घुसा ही नहीं पाओगे, वो फोल्ड हो जाएगा। फोल्ड होता है, वाला पाइप होता है, इट्स सो इजी टू जस्ट पुट इट इनसाइड। कड़क वाले पाइप का ये डिसएडवांटेज चल रहा था कि वो उसमें से कुछ टाइम बाद एयर पास होने ही नहीं लग रही थी, तो वो चक्कर में भाई 1-2 साल बाद होता होगा। नहीं भाई अभी मैंने मतलब मेरे सेटअप में ही किया था भाई, तो मतलब 6-7 महीने बाद ऐसा लग रहा था भाई एकदम कड़क हो गया, एयर पास ही नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत सारी जगह इशू आ रहे थे, तो अभी मार्केट में यही ज़्यादा चल रहा है सिलिकॉन। और अभी कंपनी नोजल्स वगैरह चेंज कर रही है, कि पाइप का साइज़ भी चेंज हुआ है, तो कंपनी को नोजल का साइज़ भी चेंज करना ही पड़ेगा, तो ये सब चीज़ें भी हाँ मोटा थोड़ा किया है, जो अभी नए आ रहे हैं एयर पम्प उसमें चेंज हुआ है सब चीज़ें। तो नया कौन सा है? नया वाला जो अभी देखो इसमें मेरे पास ये डबल वाले में आया, इसमें चेंजेस हुआ है। सिंगल वाले में अभी जो है न्यू स्टॉक आया नहीं है, क्योंकि पहले वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है एंड फिर होलसेल फिर रिटेलर, तो अभी अपन दो रिटेलर है, तो अपने पास आ जाएगा। अभी फिल्टर जो है, लेट्स टॉक अबाउट फिल्टरेशन जी, क्योंकि मैं ग्रेवल रखता हूँ और बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, तो वही हर हफ्ते 15-15% चेंज करने का समय नहीं होता बिकॉज आई एम मोस्टली नॉट एट होम जी। तो जनरली वो 2 महीने में पूरा पानी खाली करके करना है। तो उसके लिए व्हाट आई प्रेफर इज द अंडरग्रेवल फिल्टर। हाँ वो तो पहले बहुत चलते थे, अभी भी मैंने मंगाया वो सबसे सस्ता और सबसे बेस्ट जैसे जैसे और फिल्टरिंग के लिए वो बहुत बेस्ट है। पानी एकदम साफ रहता है। अभी कैसा है ना बात भाई, हर चीज़ें चेंज हो रही है, डेवलप हो रही है, तो अभी के टाइम पे पब्लिक ज़्यादा ज़्यादा इंटरनल फिल्टर का हुआ, इंटरनल फिल्टर का मैं तो स्पंज फिल्टर लगाया टैंक है तो आपको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, रोज साइफन करोगे। मैं रोज साइफन इसके लिए आप क्या करते हो? ये टैंक के लिए भाई मैंने कैसा करा है ना भाई, मैं इन लोगों को फीड वगैरह में मेंटेन करता हूँ एंड जो है इन लोग का वाटर जो है मैं वीकली चेंज करता हूँ, तो मेरे को इतना इशू नहीं आता। मैं इन लोगों का डेली साइफन नहीं करता क्योंकि मेरा सरफेस इसमें मैंने इसमें थोड़ा आर्टिफिशियल वगैरह डाल के पूरा सेटअप। तो ये अंदर पूरा पॉटी वॉटी सब अंदर घुस जाता है। हाँ पूरा चले जाता है, हफ्ते हफ्ते से उसको पूरा क्लीन करता हूँ। फिर तो यानी हटा के पूरा क्लीन करना ही पड़ेगा ना, पूरा साइफन पाइप से क्लीन करता हूँ। तो कुछ भी करो करना तो करना ही पड़ता है भाई। 15% वाटर चेंज 15% से नहीं होगा क्योंकि आपने उसको अभी आपको सजा रहे हो, कुछ डेकोरेट करो तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, बस वही है और कुछ नहीं। उसके अलावा कोई नया पानी डालता है, पहले तो थोड़ा 1-2 दिन पुराना पानी डालो, क्लोरीन का मात्रा कम होता है ना। हाँ पहले मतलब ऐसा, अभी समझ लो आप अर्जेंट आए हो एंड आपको नहीं मुझे फिश रखना है तो आप थोड़ी जाके देखो कि मेरे को बासी पानी है घर पे नहीं, तो उसके लिए एक लिक्विड आता है वाइट लिक्विड, डिक्लोरिनेशन बोलते हो, तो वो आप प्रीफर करते हो। ये वाला ये 5 रुपए की बोतल आती है, 10 रुपीज़ की आती है भाई। अभी 10 हो गया, टाइम बाद कवर कर रहे हो फहद भाई आप, ऐसा लग रहा है तो अभी भी 5 रुपए ही लिया हो, बहुत टाइम बाद कवर कर रहे हो। मेरे को शायद लोग सस्ते में देते हैं, आप ज़्यादा क्वान्टिटी उठाते रहोगे। नहीं मैंने एक्चुअली 5 रुपए का नहीं लिया, वो बड़ा तुम्हारे पास ही लेके मैं ही दिया था आपको, वो आधा लीटर का 40 रुपीज़ का दिया था, वो बेस्ट था ठीक है। उसके अलावा व्हाट एल्स डू वी हैव? मैं जो है मैं पर्सनल के लिए मैं हाइपो वगैरह यूज़ करता हूँ जिससे क्लोरीन बनता है, क्योंकि भाई मैं तो ऐसा लिक्विड डालते नहीं रहूँगा, मैं डिक्लोरिनेशन का हाइपो गोलियाँ आता है मैं वो यूज़ करता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट ये वाला जो स्पॉन्ज फिल्टर है जी, कौन कौन सा है और क्या प्राइस है? मेरे पास स्पॉन्ज फिल्टर जो है वो स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, ये तीनों साइज़ में रखा हुआ है। स्मॉल वाला जो है वो 1 फीट के टैंक के लिए है, एंड मीडियम के टैंक के लिए कितना 1 फीट के टैंक के लिए ये अपने लोग को 150 रुपीज़ का आएगा। इससे छोटा भी है मेरे पास, ये देखो ये बड़ा वाला बताओ, बड़ा वाला जो 2 फीट के टैंक का ये अपने लोग को 250 रुपीज़ का आएगा। स्पॉन्सर दो नोजल वाला जो है, 2 नोजल वाला एयर पम्प जो है वो अपने लोग को 300 रुपीज़ का आ जाएगा। सिंगल वाला जो है वो 120 रुपीज़ का आएगा। RS का जो है भाई उसमें थोड़ा कुछ इशू चल रहा था, मैंने 2-3 बार उसका माल मंगाया एंड देन हुआ रहेगा जी, क्योंकि RS और ब्लू पैड जो है भाई, RS चलता अपने टाइम पे, अभी आप लेते रहोगे बट अभी के टाइम पे भाई ब्लू पैड चल रहा है। अच्छा मेरे को एक और चीज़ करना है, मैंने कस्टम अपने यानी हमारे घर के हिसाब से मैंने कस्टम टैंक बनाया 2 फीट का, पतला दुबला अच्छा लंबा टैंक है, बट नाउ आई वांट अ कस्टम छत। अच्छा अभी तो मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अगर कस्टम छत किसी को बनवाना है सब मिल जाएगा, तो आप करके देते हो? मेरे पास भाई आपको कस्टमाइज टैंक मिल जाएगा। Do we have any sample? मेरे पास ये देखिए रखा हुआ है, एंड छत भी दिखा देता हूं। ये इतनी बुरी है क्योंकि खुलती नहीं है, इसमें बीच में ढक्कन है, एक्रेलिक नहीं, एक्चुअली जो है इसमें भी आपने जैसे मेरे को बोले ना कस्टम, तो इसमें सब चीज़ होती है, ओपन वाला भी होता है, ओपन वाला बेस्ट है, स्लाइडर कितना जैसा आपकी डिमांड रहेगी वैसा। बट कस्टमर कैसा है, रेगुलर के हिसाब से देखा जाए तो यही हम लोग रखते हैं, अगर आपको कुछ इसमें यूनिक करवाना है तो मैं आपको करवा के दे दूँगा। ठीक है, कितने का आएगा ये साइज़ जो है? ये 18 इंचेस का, ये 350 रुपीज़ का आएगा। ये जो शेड रखा हुआ है ये शेड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा वी हैव सिंगापुर टर्की, आपके पास यस ये लीगल है, ये जो है सिंगापुर रेड ईयर स्लाइडर है, रेड ईयर स्लाइडर जी। ये कितना 60 रुपये? ये अपना नहीं भाई तो? इतना सस्ता नहीं है भाई, अपना जंगली कछुए नहीं है, ये अपने लोग को आ जाएगा 1000 रुपीज़ पैर से। मैंने दिया था, एक हफ्ते में शौक पूरा हो गया, मैंने दे दिया, हटा दिए भाई। पहले भाई हम लोग जब स्टार्ट किए थे ना, मतलब आज से 4 साल पहले, तो जैसा आपने बताया 400-500 से मिलते थे, बट जो चीज़ मतलब भाई मार्केट से गायब हुई तो उसका रेट बढ़ जाता है। ये बीच में बहुत ज़्यादा शुरू में 3 बार आपको पकड़ने अच्छा लगेगा, उसके बाद आपका शौक शायद खत्म हो जाएगा। एक बार मतलब बच्चों के लिए लो, बच्चे के लिए नहीं, बहुत अच्छा है, मतलब कॉइन साइज है भाई, मतलब छोटे बच्चे लोग भी इसको बहुत बड़ा होता है। हाँ, पाम साइज तो क्रॉस हो ही जाएगा 1 साल के अंदर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट यू हैव अ बैकग्राउंड, व्हाट बैकग्राउंड है टैंक के लिए? हाँ जी, मेरे पास सीनरीज वगैरह रखी हुई है, ये डिंचैक वाली तो थोड़ी सोबर नहीं है, विनेल वगैरह भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। ये मेरे पास थोड़ा सीनरी टाइप में रखा हुआ है, बैकग्राउंड टाइप में। इतना घिस रहता है ना तो क्या, हाँ, फिश पे डायरेक्ट नहीं जाती नहीं है। बट अभी कैसा है, अभी कस्टमर न्यू है, उसको थोड़ा चीज़ें जगमगाता हुआ, तो उसको लगना चाहिए मैं रख रहा हूँ भाई समंदर में, मेरी फिशें समंदर के अंदर है। तो आएगा ये अपने लोग को आ जाएगा भाई 40 रुपीज़ फीट से। तो ये बाहर से लगाना है या अंदर? दोनों तरफ से लगा सकते हो, बट मैं कस्टमर को ये प्रीफर करूँगा बाहर से लगाओ, क्योंकि अंदर से एक बार लगाते हो तो सिलिकॉन से लगता है, साइड से सेलो टेप से लगाना है, सेलो टेप से, क्योंकि देखो फहद भाई कैसा रहता है, अगर आप अंदर से लगाते हो तो उसको सिलिकॉन गम से लगाना पड़ेगा, और फिर अगर आपको चेंज करना है तो वो पूरा गम दिख के आता है। तो अभी एक चीज़ आदमी कितने बार देखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना देखेगा। तो आप बाहर से लगाओ ताकि आप भी चेंज करो, आपका लुक, टैंग का लुक भी चेंज हो। चलिए फैलना जी, ठीक है। कुछ एक कॉकटेल्स है वो ला के बताएंगे हम जी। कॉकटेल्स है क्या, टेम है और अफ्रीकन लव बर्ड भी टेम है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। निकाल बताओ यहाँ पे ज़रा। फैजान, फैजान राइट, फैजान क्या है आपके पीछे? ये मेरे पास अफ्रीकन लव बर्ड है, टेम है जी। ये अफ्रीकन लव बर्ड में फीचर है, ये टेम है भाई। इसको कंधे पे बैठने की आदत है। कितने का दे रहे हो आप? ये अपने लोग को आ जाएगा सिंगल 1800 का। मेजॉरिटी जो है ना उनको टेम अनटेम से फर्क नहीं, उनको सेट ब्रीडिंग पेयर, सेट ब्रीडिंग पेयर भी रखा हुआ है मेरे पास। बर्ड्स में आपको जो भी चाहिए वो सब रखा हुआ है। कुछ इश्यूज है इसको इसे कवर नहीं कर रहे, वो सब रखा हुआ मिल जाएगा। ये 1800 का सिंगल हैंड टेम भाई। हैंड टेम का जो रेट है वो डिफरेंट होगा। वही चीज़ आप पेयर में ब्रीडिंग पेयर आप लोगे ना भाई, तो अपने लोग को फीचर्स आ जाएगा 1800 का। ये वैरायटी का ब्रीडिंग पेयर 1800 का आ जाएगा। मैं अभी बोल सकता हूँ कि ये रेट थोड़ा तुम्हारा ज्यादा है। नहीं फहद भाई, अगर आप, मैंने बहुत सारे मैंने खुद खरीदवाया और जेडी पे इतना पूरा एवेरी में हमने डाला है। आप पता है अगर आप क्वांटिटी लेते हो तो इसका रेट चेंज हो जाएगा भाई, ऐसा नहीं है। बट अगर आप सिंगल एक पेयर लेने जाते हो तो भाई बहुत रिजनेबल रेट, अफोर्डेबल रेट दिया भाई मैंने। नहीं भाई ये रेट मैंने आपको एक जोड़ी के हिसाब से बहुत रिजनेबल दिया, 1800 का, 1800 रुपये, 1800 रुपये का। इसमें बहुत सारे वेरियंट है भाई, ये फीचर्स है। इसमें अपना ब्लू मास्क आता है, रोजी आता है, लासा आता है, मतलब ब्रीड के ऊपर से रेट है भाई। इनकी लाइफ स्पेन कितनी होती है? लाइफ स्पेन भाई मिनिमम 5 ईयर्स का है भाई। मैंने देखो 5 ईयर का, उसके बाद तो मैंने खुद पर्सनली नहीं रखा क्योंकि मैं खुद बर्ड्स वगैरह कैरी करता था घर पे भाई। ठीक है। इसके अलावा इनके पास बजीज मिल जाएगी, कॉकटेल्स मिल जाएगा। कॉकटेल है अपने पास, कॉकटेल्स वगैरह केज में है। केज में है, क्या प्राइस है? टेम में भी कॉकटेल्स रखे हुए हैं। एंड कॉकटेल्स अगर आप ब्रीडिंग पेयर लेते हो तो 4 से स्टार्ट हो जाएगा मेरे पास ब्रीडिंग पेयर। 4K से 4000 से ब्रीडिंग पेयर स्टार्ट हो जाएगा वाइल्ड में ब्रीडिंग पेयर। और मेरे पास बजीज वगैरह भी है, फिंचीज है, एंड अपना पिजन्स वगैरह भी मिल जाएंगे। मतलब बर्ड्स वगैरह में आपको सब मिल जाएगा। एंड उसके रखने के केजेस वगैरह भी मिल जाएंगे। और केज में भी मेरे पास अलग साइज, यूनिक, फैंसी, मतलब सब केजेस मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब हो गया। नेक्स्ट टॉक अबाउट एक्वेरियम। एक्वेरियम है अपने पास फुली सेटअप। हाँ मेरे पास फुली सेटअप एक्वेरियम है। नहीं ये रहता है भाई मेरे, इसमें रहता है कोई वही बचा है तो ये जी। ये मेरे पास 2 साइज रखा हूँ मैंने, 3 साइज एक्चुअल आपको अभी भी मिल जाएगा शॉप पे। ये कितने का आएगा? ये जो है 24 इंचेस का येलो वाला, ये आपको पूरा सेटअप आ जाएगा 1600। 2 फीट का है 1600 रुपये का भाई। लाइट वेट सब बहुत नेगोशिएबल रेट करके बता। इसमें इंटरनल फिल्टर है ब्लू पैड का 15 वोल्ट का, जो अपने एक्वेरियम के साइज के हिसाब से पूरा फिल्टर करेगा। ठीक है जी। वो फाइटर के लिए अगर आपको ब्रीडिंग के लिए चाहिए कम से कम भाई, ब्रीडिंग के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये ठीक है। बट आपका पैर सेट है तो आप डायरेक्ट डालना, नहीं तो आपको पार्टीशन वाला जैसे मैंने आपको बताया, अगर बड़ा भी होगा तो भी डायरेक्ट डाल सकते हो। अगर आपका 2 फीट का टैंक है क्योंकि मादी छुप जाएगी अंदर जाके। बट बाद में अगर कोई बेटा कीप करता है तो भाई क्यों कीप किया, क्योंकि इसका जगह का प्रॉब्लम होगा, तो भाई वो छोटी चीज ही पहले प्रीफर करेगा। ये 1 फीट का पूरा सेटअप अपने लोग को आ जाएगा 700 रुपीज़ का। लाइट, फिल्टर, ऑक्सीजन, पत्थर, छत, सब पूरा टोटल 700। तो ब्रांडेड भी नहीं है फिर, होता है तो लोकल लग रहा है भाई। एक्रिलिक का छत आता है उसके अंदर सबसे पहले, एंड उसके बाद सीनरी आता है, उसके बाद फिल्टर, ऑक्सीजन, पत्थर, मतलब पूरा रेडी करके बात भाई ऐसा रहता है। मेरे को तो पुराना वाला ही शर्ट अच्छा लगता है, पता नहीं किसने गंदा सा आइडिया निकाला। सो शैबी नहीं भाई। एक्रेलिक के इसमें भी आप जैसा बोल रहे हो ना, पहले ओपन वाला एक्रेलिक के इसमें भी ओपन वाला मिलता है फहद भाई। बट हाँ वो पतरे के इसमें जो, हाँ बराबर पतरे के इसमें कैसा हो रहा था ना फहद भाई, पानी लग लग के थोड़ा जंग वगैरह लग जा रहे थे, तो कस्टमर्स लोग ने भी ऐसा प्रीफर किया कि नहीं एक्रेलिक बेस्ट फील आता था। ये क्या कलर निकाला है, वो पूरा ऐसा लगता था कि प्रॉपर एक कुछ घर वगैरह। हाँ, नहीं लेकिन इसमें भी एक्रेलिक में भी अलग अलग डिजाइन्स के अपन कस्टमाइज करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्डर दीजिए इनको और जो भी मिल जाएगा। अगर आप आज मुझे बोलते हो तो एटलीस्ट अगर कस्टमाइज है तो 2 दिन में बना के दूंगा, अगर रेगुलर साइज है तो जगह पे मिल जाएगा। आपका फोन नंबर क्या रहेगा? 9819947096। और अगर आपको व्हाट्सअप वगैरह करना है तो 8454991891। आप इसको गूगल मैप्स पे डालना है लोकेशन, तो क्या क्या नाम लिखना है? रॉयल पेट शॉप। एक्चुअली मेरा भाई 3-4 ब्रांच है, तो अगर आपको ये ब्रांच पे आना है तो रॉयल पेट शॉप नियर अल्फला स्कूल, जोगेश्वरी ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट नियर अल्फला स्कूल। आई एम सॉरी, व्हाट? नियर अल्फला स्कूल, अल्फला स्कूल, अल्फला स्कूल, अल्फला हाई स्कूल। क्योंकि गूगल मैप अगर आप करते हो टाइमिंग और कौन से दिन आपका टाइमिंग बंद तो कोई टाइम पे नहीं होता है भाई, क्योंकि भाई जानवर है, इनको फीड वगैरह देना पड़ता है, तो बंद तो होता नहीं अपना शॉप। और शॉप टाइमिंग जो है मॉर्निंग में 11 से लेके रात की 11 तक के। मॉर्निंग में 11 से रात की 11, रात को 11 बजे तक, रात की 11 बजे तक जी। किसी को भी जो भी खरीदना है, जिसके अंदर कॉल एनीथिंग दैट यू थिंक दैट वी मिस्ड आउट। ग्रेवल्स वगैरह है अपने पास, सब रखे हुए। ग्रेवल्स वगैरह जो है मेरे पास 40-50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, उसमें भी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। ये डाल के रखे हो आपने जी। ये अपने लोग को आ जाएगा भाई 50 रुपीज़ kg से आ जाएगा। पत्थर है ना ये तो? हाँ पत्थर है, इसमें जो रॉक्स वगैरह टाइप भी मैंने डाल के रखा, मतलब अपने लोग को एक्सेसरीज हाथ में लगेगा नहीं साफ नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, मैं खुद क्लीन करता हूँ, कुछ नहीं लगे भाई ज़रा भी, मतलब ऐसा नहीं, मैं खुद क्लीन करता हूँ हाथ में, ऐसा कुछ इशू नहीं आता है। 50 रुपीज़ का kg आता है। और एक 2 फीट के टैंक में कितना किलो? 2 फीट के टैंक में कम से कम 5 kg लगेगा, क्योंकि एक प्रॉपर लेयर बनना चाहिए तभी जाके वो चीज़। अच्छा ये जो लटक रहे दिस लुक्स वेरी क्यूट, ये अभी न्यू चालू, जैसे आप बोले ना वो एक्वेरियम पहले आता था वो मैन आता था वो सब आता था, अभी ये न्यू चालू है। वेरी लवली टॉय। कितने का है ये? अपने लोगों को 60 रुपीज़ का आ जाएगा टॉय। 60 रुपये का आ जाएगा जी। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें। हाँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए। और भी कुछ है जैसे अरे लाइफ प्लांट का तो बताया नहीं, लाइफ प्लांट्स का मेरे पास नाम मुझे नहीं पता है, आपको भी शायद नहीं पता होगा। लाइफ प्लांट के बारे में भी मेरे पास बहुत सारी डिटेल्स है, उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनवाने बुलाऊंगा फात भाई को। बट मेरे पास इसका प्राइस बता दो। ये अपने लोग को 80 रुपीज़ से स्टार्ट है, इसमें पूरा बंच 80 से स्टार्ट है भाई। तो इसको इसमें लगाना पड़ता है? हाँ इसी में लगाना पड़ता है कुछ। अच्छा इसमें तो वो वाली नहीं है वो अलग हो गई, रेगुलर सैंड है विदाउट ऑक्सीजन वाले प्लांट है ये सब, ये रिवर सैंड भी नहीं है तो नॉर्मल वाली सैंड है। तो इसमें रह जाए, इसमें रह जाते हैं आराम से रह जाते हैं। इसके कितने रुपए का बोला आपने? 80 रुपीज़ से स्टार्ट है बंच, इसमें बहुत सारे अलग अलग। ये अपने लोग 80 रुपीज़ का, पीछे जो है वो अपने लोग को 120 रुपीज़। ये रियल है क्या? नहीं ये आर्टिफिशियल है ना, पिंक वाला जो आर्टिफिशियल है। लंबे लंबे नहीं है कुछ, यानी मैंने मंगाया था भाई उसको छुपने के लिए ऐसा नहीं, उसका बंच मैंने मंगाया था, बट उसमें कैसा हो गया कि जो सेंड था ना भाई एडीए जैसा आपने बताया, तो उसमें कवर करना था। एंड ये जो है मेरे को ये ब्राउन सेंड मैंने बहुत सारे यूज़ कर चुका था, तो मैंने ये बोला ये प्लांट करा। ये ब्राउन सेंड कितने की आएगी? ब्राउन सेंड का पैकेट आता है 50 रुपीज़ का, 1 kg। बहुत महंगा हो गया, मैं 11 रुपये किलो लिया था भाई, बहुत पहले लिए थे, मैं खुद आपको पैकेट भिजवाया था इसका, मुझे खुद याद है ये चीज़। बहुत महंगा हो गया। हाँ बहुत चेंजेस हो गया इसका। ये है एक साफ करने का, आप हिलाओ तो गंदा होता रहेगा, गंदा होता खाली ऊपर पानी डाल दो आप, वो ऑटोमेटिकली बैठ जाता है, पूरा बैठ जाता है। अगर आप पानी चेंज करो तो इसमें पूरा ब्लर क्लाउडी हो जाता है, एंड फिर कुछ टाइम बाद जब आप पानी डालते हो तो पूरा नीचे जाके बैठ जाता है, एंड देन थोड़े टाइम बाद वो पूरा क्लियर क्लियर हो जाता है। चलिए ये थी फैजान की शॉप, रॉयल पेट एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम शॉप, पेट शॉप। एनीबडी इंटरेस्टेड कॉल हिम अप। वंस अगेन योर फोन नंबर 9819947096, एंड अगर आपको व्हाट्सअप करना है तो 8454991891 आप व्हाट्सअप कर सकते हैं।